तारक तारक तारक। अंजलि चिल्ला क्यों रही हो भाई? मैं बहरा नहीं हूँ, सुन सकता हूँ। पहले दो बार मैंने आवाज दी, आपने सुना भी नहीं और मेरी तरफ देखा भी नहीं। अंजलि मैं लिख रहा था, और जब लेखक लिखने में मसरूफ होता है ना तो उसका ध्यान कहीं और नहीं रहता, इसलिए नहीं सुन पाया। बोलो। हाँ तारक, मैं कभी कभी सोचती हूँ। अच्छा, आप सोचती भी है? जी हाँ, मेरे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं। आपके पास दिमाग भी और उसमें विचार भी आते हैं? तारक प्लीज बी सीरियस ना। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो 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 प्लीज। हाँ तो तारक, मैं ये कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ लिखूं। क्या? मेरे मन में जो विचार आते हैं उसे शब्दों में पिरो पे कागज पे डालूं। कैसा है विचार? अच्छा, बहुत अच्छा विचार, लिखना चाहिए। अगर आपके पास विचार है तो जरूर लिखना चाहिए। हाँ तो प्रश्न ये है कि मैं किस पे लिखूं? अभी तुमने खुद ने कहा ना कागज पे, लिखो कागज पे। तारक बी सीरियस, इट्स अ सीरियस मैटर, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके सॉरी भाई, हास्य लेख लिख रहा हूँ ना तो। हाँ बोलो। मुझे बताइए ना, मैं किस विषय पे लिखूं? मेरे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं कि मैं समझ नहीं पाती कि मैं किस विषय पे लिखूं। देखो, जब दिमाग में खूब सारे विचार आए ना तो आदमी को ये तय कर लेना चाहिए कि भाई कौन सा विचार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन सा विचार है जो मुझे कुछ लिखने के लिए सबसे ज्यादा मुतासिर करता है और मैं जिसपे सबसे बढ़िया लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि तुम्हारी जो एक्सपर्टीज है ना, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है? डाइट फूड। डाइट फूड पे तुम लिखो, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग विचार है तुम्हारे दिमाग में, और उस पर आर्टिकल क्या, उस पर तुम किताब लिख सकती हो, पूरी किताब। पर तारक, उस पर मैं कैसे लिखूं? किताब में से तो पढ़ के मैं डाइट फूड बनाती हूँ। अच्छा, कौन सी हो किताब? पता चले तो उन सारी किताबों को आग लगा दो। वो छोड़िए ना तारक, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये बेस्ट में से बेस्ट चीजें बनाती हूँ, उस पे लिखूं। बेस्ट में से बेस्ट अंजलि ऑन एवरेस्ट। हाँ अच्छा आइडिया, उस पे भी लिख सकती हो। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या? साहित्य नहीं है, कितने लोग पढ़ेंगे? तो फिर तुम एक काम करो, तुम एक स्त्री हो ना। हैं? अब मेरे कहने का मतलब, तुम एक स्त्री हो ना तो स्त्रियों पे लिखो। अगर एक स्त्री स्त्री पे लिखेगी तो बहुत लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखा जाएगा। ब्रिलियंट आइडिया। पर तारक, इस पे मैं ये सोच रही थी कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री पे लिखूंगी, कितना लिखूंगी, मतलब एंडलेस है विषय, इतना लंबा है कि मैं लिखती जाऊंगी लिखती जाऊंगी लिखती जाऊंगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम धार्मिक विषय पे लिखो ना पुस्तक। धार्मिक पुस्तक पे मैं नहीं लिख सकती तारक, इतनी सारी धर्म के लिए पुस्तकें छपी है, उसमें मैं नया क्या लिखूंगी। कुछ मत, तुम एक काम करो, तुम कुछ मत लिखो और मुझे भी मत लिखने दो, कुछ मत लिखो। आपने अपना लिखा क्यों फाड़ दिया? फाड़ दिया, बिल्कुल फाड़ दिया, क्योंकि जो मैं लिख रहा था ना उसमें हास्य था ही नहीं, मैं हास्य लेख लिखने की कोशिश कर रहा था। अब नया विषय मिल गया है, उसमें भरपूर हास्य लिखा जाएगा। हाँ, क्या नया विषय मिला? विषय है कि पत्नी ने किया लेखक बनने का विचार। अरे वाह। और बेचारे पति के दिमाग पे किया अत्याचार। तारक, आप अपनी पत्नी के लिए ऐसा लिखेंगे? देखिए क्या है अंजलि जी, कि लेखक को अपने आँख कान दिमाग हमेशा खुले रखने पड़ते हैं, कभी भी कोई भी विचार आ सकता है। अब आपने मुझे इतने बढ़िया लेख की प्रेरणा दी थी है, तो अब मैं यही लेख लिखूंगा, इस पर कमाल का हास्य पैदा होगा। लेकिन उसके पहले काम करो, मुझे फर्स्ट क्लास मसालेदार कड़क चाय पिला दो। ओके, अब भी लाती हूँ कड़वा कड़वा काढ़ा। काढ़ा नहीं, मैंने चाय मांगी अंजलि। पर तारक, मैं तो अत्याचारी पत्नी हूँ ना, तो मैं तो काढ़ा ही पिलाऊंगी। नहीं देखो अंजलि, देखो दिमाग पे भी अत्याचार, पेट पे भी अत्याचार। मुझे भी गणेश विश्वास है, सुंदर वीरा कभी नहीं बदलेगा, लेकिन
लेकिन माँ वो कहते हैं ना कि तूफान और शादी के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती है, लेकिन बदलती परिस्थितियों में भी इंसान ना बदले वो इंसान नंबर वन है। अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। आई बापू जी। ये ले तरबूज लाया हूँ, गर्मी में तरबूज खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसे फ्रिज में रख दे। हाँ बापूजी अच्छा किया आप तरबूज लाए, टप्पू के पापा को तो ये बहुत पसंद है। हाँ जानता हूँ। और बापूजी कोई मेहमान भी आएंगे ना तो उनको तरबूज देंगे, अच्छा लगेगा उनको। हाँ अच्छा बहू, इसे गुजराती में हम तरबूज कहते हैं, लेकिन इसे यहाँ मुंबई में क्या कहते हैं पता है? हाँ, कलिंगर। हाँ। और बापूजी अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी पता है? अच्छा वाटर लेमन। अरे वाह वाटर मेलन। अरे नमस्ते। नमस्ते। अरे मैडम आइए। वो प्यार से मुझे बिंडी मास्टर बोलते हैं। दरअसल पल्लवी मैडम यहाँ पे एक जरूरी काम से आए। टप्पू ने कोई शरारत की है? नहीं नहीं टप्पू ने कोई शरारत नहीं की है। अच्छा भाभी दरअसल टप्पू सेना की एग्जाम नजदीक आ रही है ना, तो स्कूल में बच्चों के लिए मतलब कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए स्टडी कैंप आयोजित किया है और टप्पू सेना को उसमें सिलेक्ट किया है। अरे वाह। जी हाँ, स्टूडेंट दो दिन के लिए स्कूल में ही रहेंगे और हम उनसे एग्जाम की सारी तैयारियां करवाएंगे और हम उन्हें ऐसा तैयार करेंगे कि उन्हें फाइनल एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं होगा और सारे बच्चे मन शांत रखकर एग्जाम दे पाएंगे। हाँ मतलब कैसे अच्छी तरह से पेपर लिखना है, और मान लो किसी सवाल का जवाब अगर नहीं आता तो उस पर चिंतित ना होकर दूसरे सवाल पर ज्यादा ध्यान देना। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है आपका और स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं। हाँ तो इसीलिए मैडम हम सब पेरेंट्स की परमिशन लेने के लिए यहाँ पे आई है, तो दया भाभी आप जरा जेठा से पूछ लीजिए ना। हाँ मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू रहने दे, इसमें जेठिया से पूछने की जरूरत नहीं है, जेठिया थोड़ी मना करेगा, उसे बाद में बता देंगे। ठीक है बापू जी। और वैसे भी टीचर जी ये तो बच्चों के भविष्य की बात है तो इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब की हाँ ही है। हम तो आपके आभारी हैं कि आप बच्चों के लिए और टप्पू सेना के लिए इतनी मेहनत करते हैं। हाँ तो दया भाभी अभी थोड़ी देर में टप्पू सेना को मैडम के साथ स्कूल जाना है, तो आपको जो भी तैयारी करनी है टप्पू की आप कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। ये दूध वाले भाई का हिसाब और ये करियाना वाले भाई का हिसाब, चलो ये हो गया, और ये दो तीन, हाँ ये 3000 मैं बचत के बाजू में रखती हूँ, वो वाह चलो ये भी हो गया, और ये कौन से पैसे हैं, 1229 रुपये, हिसाब तो हो गया, फिर ये 1229 रुपये क्यों बच रहे हैं, कहीं टप्पू के पापा ने तो मुझे नहीं दिया होंगे, याद नहीं आ रहा है। हाँ टप्पू के पापा कोई फाइन करके पूछती हूँ। 12 लाख का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है, जमा का टोटल बराबर है, उधर का टोटल बराबर है, तो फिर ताला क्यों नहीं मिल रहा है। 12 लाख। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, ये महीने के हिसाब में 1229 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है। हाँ तो मुझे क्यों फोन किया? अरे मैंने इसलिए फोन किया कि आपने मुझे कोई काम के लिए ज्यादा पैसे दिए थे। हाँ नहीं याद नहीं है मुझे। तो याद कीजिए ना प्लीज। अरे भाई मैं अभी यहाँ दुकान का हिसाब लेकर बैठा हूँ, बाद में बात करते हैं ठीक है। तो टप्पू के पापा मैं भी घर का हिसाब लेकर बैठी हूँ, टप्पू के पापा आप जरा याद करके बता दीजिए ना तो क्या है मेरा हिसाब पूरा हो जाए। अरे भाई यहाँ मेरे दुकान का हिसाब में मुझे 12 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो अपने 1200 का हिसाब लेके काम बैठी है। 1229 रुपये। हाँ भाई 1229, मुझे कुछ याद आता तो मैं फोन करता हूँ ठीक है। ठीक है मैं आपको 5 मिनट के बाद फिर से फोन करती हूँ। अरे नहीं भाई मैं अभी हिसाब कर रहा हूँ, तू फोन मत करना, मुझे याद आएगा तो मैं सामने से फोन करूंगा ठीक है। ठीक है याद आते ही फोन करना है। हाँ हाँ भाई हाँ। क्या करूँ ये हिसाब मिल क्यों नहीं रहा है। हाँ फिर से चेक करती हूँ, ये इस्त्री वाले
फायदे हो गए ये किराना। बहू जी बापूजी। बहू मैं हमारे यंग गर्ल ग्रुप के साथ स्वच्छता अभियान के लिए जा रहा हूँ और आज हम सब लोग शहर में अलग अलग जगह पे जाने वाले हैं, तो आते आते रात के 8-9 बज जाएंगे। ठीक है बापूजी। क्या बात है बहू, कोई परेशानी है? हाँ बापूजी, मैं वो घर खर्च का हिसाब कर रही हूँ और उसमें 1229 रुपए बढ़ रहे हैं। अरे तो उसमें चिंता क्यों कर रही है, पैसे बढ़ ही रहे हैं ना, कम तो नहीं पड़ रहे हैं ना? हाँ बापूजी, पर हिसाब तो मिलना चाहिए ना। बाबू मानना पड़ेगा, घर में तुझसे कभी कोई हिसाब नहीं मांगता, फिर भी तू पाई पाई का हिसाब रखती है। बापूजी जैसे टप्पू के पापा दुकान चलाते हैं, हम सबकी हर जरूरियात पूरी करते हैं। बापूजी आप हम सबका इतना ध्यान रखते हैं, आपकी छत्र छाया में हम सब अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। और टप्पू मन लगाकर पढ़ाई करता है, वैसे ही घर चलाने का और हिसाब रखने का फर्ज मेरा है बापूजी। बराबर है बहू, पर 1229 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। हाँ पर बापूजी मेरी माँ हमेशा कहती है हिसाब कोड़ी नो न बख्शीश लाखनी। और बापूजी हम रोज बरोज का हिसाब रखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा खर्च कहाँ हुआ है और ऐसे फिजूल खर्च भी नहीं होगा। वाह बहू वाह, जिस घर की लक्ष्मी के तेरे जैसे विचार हो उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। पर बहू याद कर, किसी का हिसाब रह गया होगा, दूध वाले का, इस्त्री वाले का, लाइट बिल बाकी रह गया होगा। बापूजी कुछ लोगों को पैसे दे दिए हैं और जिनको नहीं दिए ना उनके पैसे निकाल कर बाजू में रख दिए हैं। फिर भी बापूजी पता नहीं ये 1229 रुपए कैसे बच रहे हैं। अरे बहू किसी से लिए होंगे, किसी को देने होंगे, शांति से सोचना, सब याद आ जाएगा। चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। किसके पैसे होंगे, कौन होगा, नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, कौन होगा वो सब। अरे हाँ, ये पैसे तो केतकी ने मुझे दिए थे भीड़े बहन को आचर पकड़ के देने के लिए। अरे हाँ, मिल गया मुझको हिसाब, मिल गया। अब मैं नीचे सब्जी लेने जाऊंगी तो भीड़े बहन को पैसे दे दूंगी। उमा तई स्कूटर का नंबर आ गया है, अब जल्दी आपके घर आएंगे हम लोग। हाँ हाँ जल्दी आना। माधवी स्कूटर का नंबर क्या है वो तो बता। हाँ, MH02AB420। क्या 420? माधवी तू मजाक कर रही है ना? नहीं नहीं उमा तई मजाक नहीं कर रही हूँ, खरच सांगते। वो बाकी काय म्हणता है, काय नवीन? अरे हाँ मेन बात तो बताना ही भूल गई। काय? अपना खोखा मार्केट है ना, वहाँ पे साड़ियों को बहुत बड़ा सेल लगा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ सस्ते में मिल रही है। अरे वाह, काय सांगता है, काय? कितने दिनों तक है? सिर्फ आज का दिन, वो भी 10 से 6 बजे तक। ओगो भाई हो तो आज ही जाके आऊंगी। थैंक यू बताइए, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। थैंक यू कहते अच्छा मत है। चलो फोन रखती हूँ, घर पे आना। हाँ जल्दी। हाँ बाय बाय बाय। बताना है। अच्छा माधवी, मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। ओ बताइए। पहले तुम बताओ। नहीं नहीं बताइए ना। अरे बताओ ना। आप पहले बताइए। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। पहले तुम। पहले आप। ये माधवी ऐसा कोई पुराना गाना है ना, मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। 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 और जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गड्डी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप वो करते हुए निकल गई थी, कहीं तुम दोनों की भी गड्डी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम और पहले तुम करते करते रोमांस की रुतरा निकल जाए भाई। और रोमांस करना, रोमांटिक होना कोई जुर्म थोड़ी ना, क्यों पिड़ो? हाँ नहीं नहीं हम लोग रोमांटिक नहीं हो रहे थे, वो तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। हाँ। ओ पिड़ू ओ शर्मा क्यों रहा है, वो रोमांटिक गाने तो रोज गाने चाहिए, क्या ना इससे प्यार बढ़ता है। मैं अपने डार्लिंग रोशन के लिए रोज रोमांटिक गाने गाता हूँ और मेरी डार्लिंग रोशन जो है ना वो मेरे लिए 16 साल की रोमांटिक शहजादी है, वो ऐसे ही मैं उसके लिए 16 साल का रोमांटिक शहजादा हूँ और बहुत प्यार बढ़ता है इससे। और तो रोमांटिक गाना कंटिन्यू रख, मैं चलता हूँ। अच्छा, सर
लड़का इस हाल में। सोड़ी पाई मुझे सोड़ी पाई। कमाल है सोड़ी पर। अच्छा तुम क्या कहने वाली थी? नहीं पहले आप बताइए। माधवी इससे पहले कि कोई और आ जाए और गाना शुरू कर दे बोलो तो सही क्या बताने वाली थी? वो भव्य साड़ियों का सेल लगा है। अच्छा तुम्हारा मतलब है साड़ियों का भव्य सेल लगा है? हाँ हाँ तेज थे तो मैं जाऊँ। माधवी ये सेल में कुछ नहीं होता है, जो चीज साल भर नहीं बिकती ना उसी को दुकानदार ये सेल में बेचते हैं, और इस सेल में ना आधे से ज्यादा चीजें डिफेक्टिव पीस होती है। आहा, जैसे आपको सब पता है, आपको बता कर ही सेल लगाते ना बोलो। बताने की जरूरत ही नहीं है माधवी। अरे हमारे जमाने में ये सेल में कुछ नहीं हुआ करता था, ये सेल के नाम पे जो बिना जरूरत की चीजें होती है ना वो भी लोग खरीद लेते हैं। और सेल में होता क्या है माधवी, इतनी सारी चीजें देख के पहले तो दिमाग खराब हो जाता है, फिर बाद में फिजूल का पैसा खर्च हो जाता है और वक्त की बर्बादी होती है। असल थोड़ी असल, मैं कोई फिजूल का खर्चा वगैरह नहीं करती हूँ, और कितने दिन हुए मैंने एक भी साड़ी खरीदी नहीं की है। माधवी अच्छी और सस्ती साड़ी मिलेगी ना तो ही खरीदूंगी, वरना पानीपुरी खा के घर आ जाऊंगी। अच्छा मतलब कुल मिला के रिक्शा और पानीपुरी का खर्चा तो होने ही वाला है। नहीं जाती हूँ बस, हमारा जमाना हमारा जमाना, हमारे जमाने की वैल्यू नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है माधवी हम साथ में चलते हैं। तुम ही कशाला? मतलब हम महिला मंडल साथ में जाने वाले हैं ना। अच्छा अच्छा मतलब पहले से ही तय है? नहीं नहीं तय वगैरह नहीं है, अभी सब्जी लेने जाऊंगी ना तब सबको बताऊंगी कि ऐसा ऐसा प्लान है, और मुझे पूरा यकीन है सेल की बात सुनकर कोई मना नहीं करेगा। हाँ। ठीक है माधवी संभल कर जाना और देख परख के साड़ी लेना। हो अच्छा आप क्या कहने वाले थे तभी? मैं क्या कहने वाला था? हाँ मैं ये कहने वाला था कि मैंने सोचा है कि सोनू के एग्जाम होने के बाद उसे एक नई साइकिल खरीद के दे देंगे। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा विचार है, वैसे बिचारी कभी बोलती नहीं है लेकिन बड़ी हो गई है ना तो ये साइकिल उसको छोटी पड़ रही है अभी। नहीं हाँ वो तो है। हाँ छान छान मस्त आइडिया है। अच्छा मुझे भी अभी मोगरा पड़ा जाना है, सोसाइटी के पानी का बिल भरना है और वहाँ पे मसाले वाले का बिल भी दे के आऊँ। हम लोग भी दोपहर को निकलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। हाँ अच्छा माधवी शॉपिंग को जा रही हो जरा शांति से शॉपिंग करना, क्या है तुम जब भी शॉपिंग को जाती हो ना तो टेंशन मुझे होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ना हो। अभी पिछली बार की बात ले लो, तुम अंजलि बेबी के साथ शॉपिंग करने गई थी तुम्हारा पर्स गुम हो गया था वहाँ पे। वो पर हर बार थोड़ी ऐसी गड़बड़ होती है, कभी कभार गलती हो जाती है इंसान से। नहीं मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हो ध्यान रखूंगी मैं। हा? नहीं मतलब क्या है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सत्य है बट। हाँ बोलिए आती भाई। अच्छा अच्छा हाँ तो मैं नीचे ही आ रहा हूँ फिर बात करते हैं। चल चल तो हाँ हाँ मैं अभी आया अभी आया। मुझे पापड़ हाँ बोलिए आती भाई। भिड़े मास्टर तुम अखबार तो पढ़ते ही हो ना? हाँ क्यों क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, तुम्हें तो पता ही है आजकल स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए तो घर पे मैंने कापूर और इलायची मिक्स करके कोटली बना के रखी है, हम लोग आते जाते उसको सूंघते रहते, यहाँ तक कि मैंने ये रूमाल पे भी छिड़क के रखा है, ये देखो। बहुत अच्छा भिड़े मास्टर बहुत अच्छा, तुम तो एक जागरूक नागरिक हो भिड़े मास्टर, हमें सोसाइटी में दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। हाँ हाँ उन्हें कुछ चीजों की जानकारी देनी चाहिए। जैसे? जैसे स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। अक्सर लोग स्वाइन फ्लू को नॉर्मल सर्दी खांसी समझ के इग्नोर कर देते हैं, पर स्वाइन फ्लू में सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा होता है, नाक बहने लगती है, सर में दर्द रहता है, पूरे बदन में दर्द रहता है, बहुत थकान सी महसूस होती है। अगर आपको स्वाइन फ्लू है तो ये सारे लक्षण 1 से 7 दिन में पता चल जाते हैं, और जैसे ही पता चले हमें तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। वैसे आती भाई जस्ट जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ ये बीमारी स्वाइन फ्लू फैलती कैसे? बड़े मास्टर स्वाइन फ्लू हवा के माध्यम से फैलता है, या अगर किसी को स्वाइन फ्लू है और उसके हम संपर्क में आते हैं तो भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। इसलिए अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो तो उसे घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खांसते वक्त मुंह पे रुमाल रखना चाहिए, और बाहर से आए तो हाथ पांव अच्छी तरह गर्म पानी से धोने चाहिए। और भिड़े मास्टर ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर उनको होती है जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, इसलिए बच्चे और सीनियर सिटीजन को खास ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े ऐसी चीजें खानी चाहिए। और हाँ एलोपैथिक होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब में इसका इलाज है, और इन सब चीजों का अगर ध्यान रखें बराबर तो स्वाइन फ्लू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है हाथी भाई, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने, क्या बात है। मैं काम करता हूँ थोड़ी देर बाद आपके पास आता हूँ और ये सारी जानकारी पेपर पे लिख के वो पैम्पलेट में पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट करवा देता हूँ। थैंक यू बड़े मास्टर। अरे थैंक यू आप क्यों बोल रहे हैं, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, आप पूरी सोसाइटी के सेहत का ख्याल रख रहे हैं। अरे भाई बड़े मास्टर जैसे तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो,
मैं भी सोसाइटी का एक डॉक्टर हूँ। ओहो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही बात है। अरे बड़े मास्टर, ये तो एक डॉक्टर का फर्ज बनता है भाई। क्या हुआ हाथी भाई? अरे अरे बड़े मास्टर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पराठों की खुशबू आ रही है। आलू के पराठे कोमल बना रही थी, लगता है बन गए। आ जाओ नाश्ते करते हैं। नहीं 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 हाथी भाई, मेरा नाश्ता हो चुका है, आप कैरी कीजिए, मुझे सोसाइटी का काम है जरा। हाँ चलो मिलते हैं। ओके ओके। चलो सखाराम काम निपटा के आते हैं। अरे आत्माराम आत्माराम आत्माराम, बोलो रुको 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 आत्माराम आत्माराम, मेरे को अर्जेंटली है ना पटेल चौक जाने का, मेरे को प्लीज ड्रॉप कर दोगे? हाँ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो 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 चलो, मुझे भी जाना है मोगरा पड़ा है, भी आया हुआ है ना, वो काफी दिनों से भीड़ है। क्या कर रहा है भाई, उड़ा देगा क्या? क्या कौन सा तरीका स्कूटर चलाने का भाई? तुम एक शिक्षक हो, पायलट नहीं, हवाई जहाज की तरह क्या स्कूटर चला रहे हो? ओके ओके सॉरी 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 आत्माराम, चलो। अरे एक मिनट भाई, क्या चलो? पर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई? आप स्कूटर चला रहे हो भाई, भीड़े स्कूटर चला रहा है तो सॉरी भीड़े को बोलना चाहिए। हाँ भाई पोपटलाल सॉरी। हाँ बोल दिया ना सॉरी, अभी आत्माराम चलो, चलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या चलो भाई, सॉरी बोलने से सब हो जाता है, बस सॉरी बोल दिया तो बात खत्म हो गई। भाई भीड़े, तुम्हारा कोई विद्यार्थी जब ऐसी कोई गलती करता है या होमवर्क नहीं करता है तब तुम क्या करते हो? पनिशमेंट देता है। ठीक है आत्माराम अभी चलो, लेट हो रहा है मेरे को। आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट? ये ले मेरे बैंक की पासबुक, इसे अपडेट करवा के लाना, मुझे बैलेंस चेक करना। हाँ तो साथ में मोबाइल भी दे दो। क्यों? उसमें बैलेंस डलवा के लाता हूँ। पोपटलाल अभी हमको जाने दो, मेरे को बहुत अर्जेंट पटेल चौक जाना है। आत्माराम चलो चलो प्लीज, लेट हो रहा है। हाँ भाई चलो चलो, तो भी जा। हाँ भाई पहुंच जाएंगे, मुझे भी तो मोगरा पाड़ा जाना ही है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ जाना तुम्हें? पटेल चौक। अरे आपको नहीं भाई, तुझे कहाँ जाना है? मोगरा पाड़ा। तुम ये नया स्कूटर लेके मोगरा पाड़ा जा रहे हो? क्यों, वहाँ पे स्कूटर ले जाने में पाबंदी है? अरे भाई वहाँ मोगरा पाड़ा में हर जगह खड्डे खुदे हुए हैं, वो ड्रेनेज का काम चल रहा है, वहाँ आदमी को चलने की जगह नहीं है और तुम नया स्कूटर लेके जा रहे हो। अरे भाई ये सखाराम को पार्क कहाँ करोगे? आत्माराम तुम टेंशन मत लो, सखाराम के लिए कहीं ना कहीं पार्किंग मिल जाएगा, चलो। नहीं मिलेगी। अरे भाई तीन दिन पहले मेरा दोस्त गया था वहाँ, एक घंटा घुमा लेकिन पार्किंग नहीं मिली, जिस काम के लिए गया था वो भी नहीं हो पाया। अभी आप लोग ये स्कूटर को लेके वहाँ जाओगे, पार्किंग नहीं मिलेगी, बैंक बंद हो जाएगी, तो मेरा पासबुक कैसे अपडेट होगा? मेरा मतलब है आप लोग भी अपने अपने काम के लिए लेट हो जाओगे ना। कैसी बात करते हो पोपटलाल तुम। आत्माराम वो मार्केट के पास में एक पेंट पार्क है, वहाँ तुमको पार्किंग मिल जाएगा। हाँ ठीक है, काम करो भीड़े, तुम स्कूटर को लेके जाओ वहाँ पर पार्क करना, वहाँ वो पेंट पार्क के बाहर भी काम चालू है, सखाराम को आगे कोई स्क्रैच करके जाएगा या ठोक के जाएगा तब पता चलेगा। अरे भाई सच्ची सलाह दे रहा हूँ तो मान नहीं रहे, एक पत्रकार पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? पोपटलाल तुम आत्माराम को क्या उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रहे हो? अय्यर भाई कितने स्वार्थी हैं आप, अपने छोटे से फायदे के लिए भीड़े का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप। आत्माराम पोपटलाल को इग्नोर करो, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। सोच लिया मैंने। क्या? यही कि मैं वहाँ पे सखाराम को लेके नहीं जाऊंगा। आत्माराम कुछ नहीं होगा, ये सखाराम को पार्किंग मिल जाएगा, चलो। और अय्यर अगर मेरे सखाराम को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी लोगे? बराबर है बराबर है, बोलो। ठीक है मैं ऑटो से जाता हूँ। हाँ तो अय्यर तुम ऑटो से जा रहे हो तो मुझे मोगरा पाड़ा छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा चलो। मैं इधर से ये स्कूटर पार्क करके आता हूँ। अभी किधर उधर पार्क कर रहे, इधर ही पार्क कर दो। लेकिन जगह तो उधर है ना। अगर हम यहाँ भी तो सोसाइटी कंपाउंड है, अरे इधर पार्क कर दो, लेट हो रहा है। ओके हाँ हाँ कर दो भाई कर दो। क्या तुम भी यार, गुड डिसीजन गुड डिसीजन भाई, आजकल पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या शहर में चल रही है, मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ कि भाई शहर में हर जगह पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक गाड़ियों की स्कूटर की सेल बंद कैंसिल। वो पटेल चौक अभी लेट नहीं हो रहा है? हाँ, अरे हो रहा है हो रहा है, चलो 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 चलो। आहो आहो वो स्कूटर लेना भूल गए आप? नहीं नहीं माधवी मैं स्कूटर नहीं लेके जा रहा हूँ, क्या है मुझे पता चला है वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है तो इसे यही छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा बराबर। अरे भाई किससे पता चला है, कौन बताएगा? पोपटलाल ने बताया। हो का? अरे वाह थैंक यू पोपट भौजी। मेंशन नॉट। और हाँ माधवी मैंने जो बोला वो याद है ना, पैसा दिमाग और वक्त। वक्त आत्माराम लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। वो पासबुक मत बोलना भाई। हाँ हाँ दे। पोपट भाव जी थोड़ा मदद करो ना। अरे हाँ हाँ श्योर श्योर आओ भाई आ जाओ। अगो भाई आली का सुनी था?
आने दो। बस बस भाव। ओके थैंक यू। इसका ऐसा सीधा करना है। भाई आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। क्या क्या सब्जी लाई हो? जरा टोकरी देना। हाँ ये हो गया। ये नींबू, ये गाजर, ये भिंडी, बैंगन, टिंडली और ये आलू। हाँ भाई बताओ कितना हुआ? क्या पोपट भाव, इसका हिसाब कैसे लगाओ? आपको जो कुछ भी लेना है एक पाव या आधा किलो ले लो। हाँ अरे भाई मुझे आज मिक्स वेजिटेबल बनाना है। अब मैं रोज कौन सी सब्जी बनाऊंगा तुम तय करोगे। तुम खाली बताओ ना इसका कितना हुआ? 25 रुपए। कितनी सी सब्जी का 25 रुपए? ये सर्विस टैक्स भी लगा है क्या पोपट भाव? आप भी ना भाई तुम इसमें डालो जरा इसको। ये बहुत भाव बढ़ा देते हैं ना ये सब्जी का। नमस्ते नमस्ते। हेलो। ये लो भाई 20 रुपए रखो। 20 रुपए भाव, ये तो बहुत कम है। अरे बिल्कुल कम नहीं है भाई, हम रोज आपसे सब्जी लेते हैं भाई, रोज के गिरा के एकदम बराबर है 20 रुपए। ठीक है बाबा तुम। हंसी हंसी और हंसी अपने भाई पर। अरे बहनों आज अगर मेरी शादी हो गई होती और आपकी भाभी होती तो वो आती सब्जी लेने, मुझे ऐसा भावताल नहीं करना पड़ता। पोपट भाव अगर आपकी पत्नी आती ना तो बहुत अच्छा होता, कम से कम मुझे एक एक भाजी का हिसाब तो नहीं लगाना पड़ता। तो ये मेरी आदरणीय बहनों को बोलो कि जल्दी से मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे, जैसे इनकी भाभी आ जाएगी मैं रोज भर भर के सब्जियां ले जाऊंगा। पोपट भाई हम तो आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। हाँ पर कोई हाँ ही नहीं कहती। मतलब और रोशन कभी ये कहना चाहते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता आएगा ना तो हम लोग फटक से हाँ कह देंगे। ठीक है मैं चलता हूँ, अभी बहुत सारा काम है, मिक्स वेजिटेबल बनाना है, आटा गूंदना है, खाना खाना है और फिर प्रेस जाना है। ओके चलिए बाय गुड डे। गुड डे बाय 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 गुड डे रोशन बाबू। थैंक यू डे बाबू। अरे भीड़ बहन ये लीजिए आपके 1229 रुपए। किस बात के? मेरी सहेली केक की है ना, उसने आपके पास से अचार पापड़ लिए थे, ये उसके हैं। ओह अरे हाँ थैंक यू दया बाबी थैंक यू। मैं सुबह हिसाब करने के लिए बैठी थी तो 1229 रुपए बढ़ रहे थे, कितना सोचा कितनी मथामण की, फिर याद आया कि ये तो भीड़े बहन को देने हैं। अरे होता है दया भाभी, ऐसा कभी कभी होता है, छोटी सी बात होती है पर हमारे दिमाग से निकल जाती है और बाद में याद आती है। ए, मैं एक बात भूल जाऊँ, इससे पहले आप लोगों को मुझे एक खुशखबरी देनी है। खुशखबर? हाँ वो खोखा मार्केट है ना, वहाँ पे साड़ियों का सेल लगा है। हाँ मस्त संधि है, टप्पू से ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई है ना, तो उनके खाने पीने का भी टेंशन नहीं है। नहीं का? और बापू जी स्वच्छता अभियान के लिए गए हैं तो वो बहुत देर से आएंगे। और वैसे भी हम सब साथ में बाहर बहुत दिनों से गए नहीं है। वो कहाँ है? शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और धमाल का धमाल। नहीं 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 मतलब धमाल के लिए नहीं, नहीं शॉपिंग के लिए नहीं। क्यों नहीं? आज शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते। क्यों? क्यों क्या कोमल भाभी, आज मेरी और कोमल भाभी की ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट है इसलिए नहीं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, थैंक यू अंजलि भाभी। लेकिन सेल तो आज के दिन का ही है, आप लोगों का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 1 घंटे बाद का। तो अंजलि भाभी आप और कोमल भाभी फटक से पार्लर जाइए, हम लोग घर का सारा काम निपटा के आपको खोखा मार्केट में मिलते हैं। हाँ पर सॉरी लेडीज आज मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्यों? वो क्या है ना, मम्मी डैडी को मिलने जा रही हूँ, बहुत दिन से उनसे मिली नहीं हूँ ना, तो सोचा कि घर का सारा काम निपटा के उनके घर हो आती हूँ। तो रोशन भाभी आप सोडी भाई को हमारे घर पर खाना खाने के लिए बोल देना। हाउ स्वीट दया भाभी, पर थैंक यू, आज रात का खाना मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है रोशन भाभी, कोई अच्छी साड़ी मिले तो आपके लिए ले लूं। अरे वाह सुअच्छा, हाँ हाँ जरूर ही ले आऊं। रोशन भाभी को तो घर बैठे शॉपिंग। अच्छा सुनो सेल का टाइमिंग 10 से 6 बजे तक का ही है, तो जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाते। फिर मैं और कोमल भाभी फटाफट ब्यूटी पार्लर खत्म करके सीधे 3:30 बजे मिलेंगे खोखा मार्केट। चलो चलो सेठ जी कितना टाइम हो गया हमने कोई सेल नहीं रखा। हाँ सेठ जी इस बार हम समर सेल रखें।
समर सेल किसका, एसी और फ्रिज का? नहीं नहीं सेठ जी, समर में अगर फ्रिज और एसी पे डिस्काउंट नहीं रखेंगे तो भी लोग तो उसे खरीदेंगे ही। हैं, सरस, जानकर खुशी हुई आपको इस बारे में जानकारी है। After all, he is a water of Undai. Thank you, Nattu काका। सेठ जी, thank you. मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक सेल का एकदम जबरदस्त आइडिया है। क्या? सेठ जी, जो कस्टमर हमारी दुकान में फ्रिज खरीदने आएगा उसे टीवी पे डिस्काउंट मिलेगा, और जो टीवी खरीदने आएगा उसे फ्रिज पे डिस्काउंट मिलेगा। सेठ जी, इससे तो हमारी दुकान से टीवी और फ्रिज दोनों साथ साथ बिकेंगे। आइडिया अच्छा है, सोच के बताता हूँ। नो प्रॉब्लम सेठ जी, टेक योर ऑन टाइम, हम लोग दुकान में है। कम ऑन वाटर ऑफ हुंडई, चलिए। बोल बोल दया। हाँ, मिल गया। मिल गया? आपको कैसे पता चला? अरे मेरा हिसाब मुझे मिलेगा तो मुझे ही पता चलेगा ना, तुझे थोड़ी पता चलेगा। अरे टाबू के पापा, मैं आपके हिसाब की नहीं, मेरे हिसाब की बात कर रही हूँ। तेरा कौन सा हिसाब? 1229 वाले हिसाब। हाँ अच्छा अच्छा, मिल गया ना, चल ठीक है। वो क्या है, मेरी सहेली केत की है ना, उसने भीड़े बहन से अचार पापड़ लिए थे, तो उसने मुझे कहा था कि तुम ये पैसे भीड़े बहन को दे देना, पर मैं भूल गई, तो मतलब ये पैसे उसके हैं। ओके ओके चल। अच्छा टप्पू के पापा, आपका 12 लाख का भी हिसाब मिल गया? हाँ मिल गया, मिल गया। कमाल है टप्पू के पापा, मुझे 1229 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था तो मैं कितनी बेचैन थी, और आपको 12 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था, फिर हिसाब मिल गया, उसके बाद भी आप एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस एकदम स्वस्थ है। हाँ मतलब क्या कहना क्या चाहती है? आप मस्त पत्थर दिल है, है? मतलब आप मस्त स्वस्थ दिल है। हाँ भाई वो तो क्या है, मैंने बापूजी से सीखा है दया, कि कितना भी बड़ा टेंशन क्यों ना हो, स्वस्थ रहने का, बस एक टेंशन में मैं स्वस्थ नहीं रह सकता। कौन सा? सुंदर का। क्या मतलब? सुंदर को पैसों का टेंशन हो, वो टेंशन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह टप्पू के पापा, वाह, मेरा सुंदर वीरा कितना नसीब वाला है कि उसको आपके जैसे जीजा जी मिले हैं। काश मैं भी उसके जितना नसीबदार होता। क्या मतलब? काश मेरे पास भी सुंदर के जीजा जी जैसे जीजा जी होते। क्या? मैं नहीं समझी। कुछ नहीं बचा। एक मिनट टप्पू के पापा। हाँ बोल। वो घर खर्च के पैसे खत्म हो गए हैं तो आप दुकान से लेते आएंगे? हाँ ठीक है। और सुनिए टप्पू के पापा, आपने कबाट में कवर में 10,000 रुपए रखे हैं, तो वो मैं ले लूँ? अरे पूछ क्या रही है, ले लेना भाई। थैंक यू टप्पू के पापा। अच्छा टप्पू के पापा, आज मैं आपको एक मस्त सरप्राइज देने वाली हूँ, बताइए क्या होगा सरप्राइज? स्वादिष्ट खाना बनाने वाली है? नहीं। तो सोचो सोचो। अरे बोलने भाई क्या सरप्राइज है? आज मैं आपके लिए सेल में से कुछ खरीदने वाली हूँ। शर्ट? नहीं। तो सोचो सोचो। अरे वो खिलाड़ी नंबर वन, मेरे साथ खेल खेलना बंद करना भाई, बोलना क्या सरप्राइज है? नहीं, अब आप रात को घर आएंगे ना तभी बताऊंगी। बाय। ये गलत है दया। हेलो दया। टप्पू के पापा, मैंने फोन रखा नहीं है, बोलिए। लुच्ची, चल बोल बोल क्या सरप्राइज क्या है, बोल। आज मैं आपके लिए साड़ी लेने वाली हूँ। मेरे लिए साड़ी लेने वाली है? अरे टप्पू के पापा, कितने दिनों से आप ही कह रहे थे ना नई साड़ी ले लिया, नई साड़ी ले लेना, तो आज मैं गोकुल धाम की मेरी सहेलियों के साथ साड़ी के सेल में साड़ी लेने जा रही हूँ। लुच्ची, मैंने कब कहा तुझे नई साड़ी लेने के लिए? सीधा सीधा बोलना कि तुझे सेल में से नई साड़ियाँ लेनी है। ठीक है, आप नहीं कहते तो नहीं लेती। हाँ तो ठीक है, मत ले। क्या? अरे लेने भाई, मैंने आज तक तुझे कभी भी साड़ियाँ लेने से मना किया है, लेकिन देख संभल के जाना, संभल के आना। क्यों संभल के? टप्पू के पापा, हम लोग साड़ी के सेल में साड़ी लेने जा रहे हैं, बैंक के लॉकर में से गहने निकालने के लिए नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, तुम जब लेडीज लोग साथ में मिलके कुछ भी खरीदी करने जाते हो ना, तभी जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है, इसलिए कह रहा हूँ संभल के जाना, संभल के आना। ठीक है, ऐसा है तो मैं सेल में नहीं जाती।
सच? जा जा भाई जा, तुम लेडीज लोगों को सेल में जाने से रोकना मतलब ओ बरसात के मौसम में मेढक को ढ्राउं ढ्राउं करने से रोकने जैसी बात है। जा जा सेल में से मस्त बढ़िया साड़ी लेके आ। सेठ जी, सेठानी जी है हाँ, उनसे कहिए ना मेरे लिए भी एक साड़ी खरीदे। मतलब मुझे वो साड़ी बावरी जी को देनी है। हाँ दया, बावरी के लिए भी एक साड़ी लेके आना, ठीक है? एक मिनट सेठ जी, उनसे कहिए 500 से 1000 तक ले। अरे पागल, इतनी सारी साड़ी लेके क्या करेगा तू? नहीं नहीं सेठ जी, मैं अपना बजट बता रहा हूँ। अरे दया, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अच्छी साड़ी लगे लेके आना। सेठ जी ठीक है, एक मिनट सेठ जी, सेठानी जी से कहिए ब्लू कलर की साड़ी ले, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। दया बावरी के लिए ब्लू कलर की साड़ी लेना, क्योंकि ब्लू कलर बगा का फेवरेट है, ठीक है? ठीक है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। हाँ बावरी जी का फेवरेट कलर तो रेड है, अब सेठानी जी से कहिए बावरी जी के लिए रेड कलर की साड़ी खरीदे। अच्छा दया, बावरी का फेवरेट कलर लाल है, तो अभी लाल कलर की साड़ी लेना, ठीक है? मतलब दोनों रंग की साड़ी लेनी है? नहीं नहीं, एक एक मिनट भाई, ब्लू और लाल दोनों लेनी है? नहीं नहीं, सिर्फ लाल कलर की लानी है। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ लाल वाली लेनी है, ठीक है? एक मिनट सेठ जी, एक मिनट भाई। हाँ बोल। अब सेठानी जी से पूछिए ना, बावरी जी पे कौन से कलर की साड़ी अच्छी लगेगी। एक मिनट भाई, तू ही डायरेक्ट बात कर लेना दया से। ए दया, बागा से बात कर। हाँ सेठानी जी। हाँ बागा भाई, मैंने आपकी बात सुनी। अब सुनिए, बावरी बहन पर हर रंग की साड़ी अच्छी लगेगी, तो आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मैं बावरी बहन के लिए मस्त साड़ी पसंद करके लाऊंगी। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। एक मिनट हाँ सेठ जी, आपको बात करनी है। हाँ ये ले, साइन कर दिए ले। हाँ दया भाई, शॉपिंग करके टाइम पे घर पे वापस आ जाना भाई। हाँ हाँ, टप्पू के पापा 6 बजे तक आ जाएंगे। हाँ चलो भाई। हाँ ठीक है चल। यो 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 यो, अरे बबीता जी, भीड़े बहन कोई नहीं आया? भीड़े बहन आले 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 आले, चलिए चलिए, टाइम के एकदम पक्के हो? हाँ, वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर हम वक्त के साथ चलते हैं ना, तो वक्त हमारे साथ चलता है। रेडी रेडी? हाँ रेडी। अरे चलिए चलिए, वरना अच्छी साड़ियाँ खत्म हो जाएगी। चलिए। सही। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अरे गुड आफ्टरनून, कैसे अब्दुल भाई? अब मस्त है। आजकल टप्पू से ना कहाँ गायब हो गई है? अरे टप्पू से ना, वो परीक्षा है ना, तो कैंप में गई है। अच्छा अच्छा, इसीलिए गोकुलधाम सोसाइटी में इतनी शांति है। अच्छा है शांति अब्दुल भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को किसी की नजर ना लगे। ओ कर, वरना हमारी सोसाइटी में तो छोटी सी बात का हंगामा हो जाता है, नहीं का? हाँ, और शांति में से कब अशांति हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो चलो हम लोग चले। हाँ। पता नहीं बाहर रिक्शा मिलेगी भी या नहीं। एक टेंशन से। अरे भाई का स्कूटर लेके जाओ। डॉक्टर बाबा, मुझे डर लगता है रास्ते पर चलाने से, ट्रैफिक में कौन चलाएगा, इससे बेटर हम लोग रिक्शे से ही जाते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो बाय बाय। अरे भाई खोखा मार्केट। जी नहीं। क्यों क्यों? लंच का टाइम हो गया। ये क्या जो लंच का टाइम, तो मस्त बहाने बनाते हैं लोग। रिक्शा 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 रिक्शा। हेलो, अरे थका सर। नहीं नहीं सर, ले ले यार। रिक्शा 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 रिक्शा, खोखा मार्केट चलो। सॉरी मैडम, गैस खत्म हो गया। इनको जब नहीं जाना होता है ना, कुछ भी बहाने देते। जितना नजदीक जाना है ना, उतना ही रिक्शा मिलना मुश्किल। सच में यार, ऐसे रिक्शा वालों के खिलाफ ना कंप्लेंट करनी ही चाहिए। बराबर। ए, अब कोई भी खाली रिक्शा आएगी ना, हम फटाक से उसमें बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे खोखा मार्केट। बेस्ट, ऐसे है? बेस्ट। लगता है रिक्शा खाली हुई है, चलो जाते। खोखा मार्केट लेना। अरे रे, आप तीनों कहाँ बैठ रहे हो? रिक्शा में। मुझे पता है पर वर कुछ नहीं। देखिए भाई साहब, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप पैसेंजर को मना करें। चलिए चुपचाप। चलिए चलिए खोखा मार्केट चलिए। हाँ। नहीं हा? देखिए भाई साहब, वहाँ पर साड़ी का सेल लगा है, आपको चलना ही पड़ेगा। पुलिस स्टेशन चलिए। देखिए बहन जी, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है अभी भाई साहब, आप जल्दी चलिए। पुलिस स्टेशन बताएगा। तो? अरे ये क्या,
भाई आपको तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हाँ साहब जी, यही बात इन तीनों को मैं कब से समझा रहा हूँ, लेकिन ये लोग नहीं दिया आप लोग। अरे रामा, पता नहीं ये रिक्शा कब मिलेगी। लगता है हमारे पहुंचने से पहले सेल खत्म हो जाएगा उधर। न करे नारायण, जब रिक्शा नहीं चाहिए तब 10 रिक्शा वाले भाई आकर पूछेंगे, बहन जी कहाँ जाना है, देखिए देखिए देखिए। और जब रिक्शा चाहिए ना तब एक भी रिक्शा वाले भाई पूछते नहीं है कि बहन जी को कहाँ जाना है, कि बहन जी को भूल ही जाते हैं। इस शहर में तो एक प्राइवेट व्हीकल होना ही चाहिए। मैं तो अय्यर को कहूंगी बस अब एक कार ले ही लो, दैट्स इट। हमारे अहमदाबाद में तो सबके घर में खुद का एक वाहन तो होता ही है। ए, हमारे स्कूटर है ना। वैसे भी ये पार्किंग के चक्कर में आज स्कूटर लेके ही नहीं गए हैं, तो हम तीनों हमारे स्कूटर पे चल सकते हैं। पर फिर भाई गुस्सा नहीं करेंगे ना। इश, वो कशाला गुस्सा करेंगे, काई ने गुस्सा वगैरह। हस, तो कोई चिंता नहीं है, चलिए चलिए। हाँ चलो चलो। ओके, बस जया भाभी प्लीज आप स्कूटर चला लेंगे ना। मैं? हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है लंबे रास्ते पर स्कूटर चलाने से, इसीलिए। और आप तो स्कूटर अच्छे से चला लेती है ना, तो क्या प्रश्न से? मैं? हाँ दया भाभी, देखिए हम लोग वैसे भी बहुत लेट हो गए और रिक्शा तो हमें मिल नहीं रही है, एंड आई थिंक कोमल भाभी और अंजलि भाभी मार्केट पहुँच भी गए होंगे, तो चला लो ना प्लीज आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलिए। ग्रेट, चलो। अरे पर भीड़ बहन, स्कूटर की चाबी? अरे दो दो चाबियां है, एक घर पे रहती है और एक इनके पास। मैं कोमल भाभी को फोन करके बता देती हूँ कि हम लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं। ठीक है, अच्छा है भीड़ बहन, मस्त आइडिया है, अब हम समय पे सेल पर पहुँच जाएंगे। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं घर से स्कूटर की चाबी और हेलमेट लेकर आती हूँ। उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अच्छी फैशनेबल साड़ी भी ना तो मजा आ जाएगा। हाँ, मुझे तो राशन भाभी के साथ साथ बारी बहन के लिए भी खरीदनी है। अरे किसे फोन कर रहे हो? इनको फोन कर रही हूँ, इनको फोन करके बता देती हूँ ना कि हम लोग स्कूटर लेके जा रहे हैं, वरना ये आएंगे स्कूटर नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। क्या है, इनका फोन ही नहीं लग रहा है। पर तो भीड़ बहन, हम एक काम करते हैं, जाते जाते अब्दुल भाई को बता देते हैं। हाँ चले लो, सस कोरिया। बाय द वे, साइड कार में मैं बैठने वाली हूँ, सीट रिजर्व। ओके, अरे और मैं तो स्कूटर चलाने वाली हूँ, तो मुझे तो आगे ही बैठना पड़ेगा। और मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं बचा है, अभी पीछे ही बैठना पड़ेगा। चलो चलो, हेलमेट इधर है, ये अब आप लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे। चलो बैठ जाइए। चलो बैठ जाए भाभी। थैंक यू। बोलो श्री अम्बे मां की जय, सखाराम की जय। फोन क्यों नहीं लग रहा है इनका? कोई बात नहीं, अभी अभी हम अब्दुल भाई को बता देते हैं ना। देखो तो अच्छा रहे। नाइस। अब्दुल भाई ले, अब्दुल भाई तो दुकान में नहीं है अब। कोई बात नहीं, मैं वहाँ पहुँचने के बाद इनको फोन कर लेती। हाँ, बेटर, वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं ना। चल चल चलते। बाबा भीड़ बहन, आपने तो हमारी अहमदाबाद की यादें ताजा कर दी। अब यहाँ से अहमदाबाद में बहुत स्कूटर लेकर घूमते हैं। अरे भीड़ बहन, तो स्कूटर चली पम पम पम। माधवी भाभी की स्कूटर चली। क्या चलो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ओ,
मैडम लाइसेंस दिखाइए। मैडम लाइसेंस? हाँ भाऊ त्याचं काय आहे? हम ले लीजिए। हे काय लाइसेंस? मजाक कर रही थी। अच्छा नंबर के लबड़ है आप। अभी पता चला टप्पू किस पे गया है। बरोबर जाइए आप। हाँ थैंक यू। हो गया मजाक आपका? दया भाभी बड़ा मजा किया मूड है आज आपका। अरे अरे दया भाभी लबाड़ मतलब लबाड़ है आप। कोमल भाभी अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था यहाँ पे, हम पहुँच गए देखो। मुझे लगता है इन लोगों को रिक्शा नहीं मिली होगी। मैं बबीता को फोन करती हूँ। अरे वो कुलधाम की तीन देवियाँ स्कूटर पर आ रही हैं। भाई जरा बता सकते हैं हम स्कूटर को यहाँ रख सकते हैं? तुम वाले नहीं आएंगे ना? कैसे भाई? दीदी वो नो पार्किंग में अगर गाड़ी पार्क करे तो उठा के लेके जाते हैं ना वो टोइंग वाले। टोइंग हाँ, हाँ। नहीं 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 बहन जी ये पार्किंग है, सबकी पार्किंग लगती है, आप भी अपनी गाड़ी पार्क कर लो। थैंक यू थैंक यू भाई। चलो आने दो। वाह 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 क्या बात है। सॉरी हम लोगों को लेट हो गया, लेकिन रिक्शा ही नहीं मिल रही थी हम लोगों को, इसलिए फिर सखाराम को ही लेके आए। सखाराम भाई सही वक्त पर मदद में आ गया। अच्छा हुआ माधवी भाभी स्कूटर लेके आए, जाते वक्त एक ही रिक्शा करनी पड़ेगी। राइट। रख दो इसको ऐसा स्टोरेज हमारा होता ना तो हंस उसमें खाना रखते। समोसे चले। सब लेडीज अपना अपना पैकेट संभाल के रखना, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो सब लेडीज तैयार है साड़ी की दुकान को लूटने के लिए? मैंने कहा था ना भव्य सेल है। ये इधर भी है बाय थ्री। हाँ ओहो यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। किसको फोन करना है आपको? इनको फोन लगा रही हूँ लेकिन नेटवर्क ही नहीं है। तो अच्छा है ना कोई हमें डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, हम लोग आराम से शॉपिंग करेंगे। नहीं नहीं कुमल भाभी तसर है, इनको पता नहीं है ना हम लोग स्कूटर लेके आए हैं, तो सोसाइटी में स्कूटर नहीं देखेंगे तो फिर टेंशन में आ जाएंगे इसीलिए। अरे तो क्या हुआ मेरा फोन किस दिन काम आएगा? लगेगा। ये सॉरी मेरे में भी नेटवर्क नहीं है। अरे दीवा सूड़ा रहा था। माधवी भाभी आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? अरे भिड़े भाई आएंगे ना उसके पहले हम सब फटाफट शॉपिंग कर लेंगे और घर पहुंच जाएंगे और स्कूटर रख देंगे। आप चिंता मत कीजिए अभी हम साड़ी के सेल में आए हैं, कितनी रंग बिरंगी साड़ियाँ हैं। हाँ माधवी भाभी हमें साड़ियों का तो खजाना है। चलो चलो। अरे रिक्शा 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 माधवी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? रिक्शा रिक्शा दो कदम सोसाइटी पाउडर गली। हाँ चलिए बैठिए। आई दीदी ये देखिए सबसे बेहतर साड़ी है हमारी। वो इतनी मस्त मस्त साड़ियाँ हैं। अगर ये होते ना साथ में तो इनको पता थी कि सेल में बेकार की चीजें नहीं अच्छी चीजें ही मिलती है। क्या? नहीं नहीं कहीं नहीं मस्त है ना।
साड़ी है बगा सुंदर से कॉम्बिनेशन बबीता दिस इज वेरी नाइस ये अच्छा है हाँ, मुझे भी थोड़ा ऐसा फाइन प्रिंट वाला चाहिए नेटवर्क ही नहीं लग रहा है ए, रुको 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 सकाराम यहाँ पे साहब सकाराम को बिठा लो ना ट्रैफिक जाम हो रहा हाँ एक मिनट मिनट साहब जल्दी करो थोड़ा आगे ले माले MH02AB420 अरे मी मेरी स्कूटर है ये इकड़े कशे का है यहाँ पे कैसे हाँ भाई कितना हुआ ये गलत बात है साहब अपना पावडर गली तक जाने का बात हुआ था और आप यहीं उतर रहे हैं ये तो गलत है ना साहब अरे भाई मैं कोई गलत काम नहीं करता भाई तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ ये रखो आप पुलिस में हैं तो यहाँ तक का भाड़ा भी रहन दीजिए साहब अरे नहीं 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 पुलिस में नहीं हूँ भाई मैं शिक्षक हूँ शिक्षक और मैं कोई गलत काम नहीं करता ये काम करो ये तुम पावडर गली तक का भाड़ा रखो नहीं नहीं रहन दीजिए साहब अरे भाई रखो ना भाई नहीं नहीं रहने दीजिए आपको पता है मैं कौन हूँ तुम रिक्शा वाले ही हो ना सिर्फ रिक्शा वाला नहीं साहब एक खुददार रिक्शा वाला जो गलत भाड़ा नहीं लेता साहब अच्छा अच्छा ठीक है तो ये रखो मैं ₹20 रखो चल अरे रुको रुको साहब आता कहाँ है ये छुट्टा लेके जाओ अरे रखो रखो भाई नहीं आपके बचे हुए ₹3 ये लो दे बाबा दे ये लीजिए अरे कमाल है ये सकाराम यहाँ पे कैसे आया भाई माधी तो नहीं लेके आई नहीं 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 माधी क्यों लेके आएगी वो तो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी इसका मतलब स्कूटर चोरी हो गया है सकाराम तुझे कुछ हो ना जाए इसलिए मैं तुझे मोगरापाड़ा नहीं लेके गया लेकिन तुम गोकुल के कंपाउंड में भी सुरक्षित नहीं हो कमाल है इससे पहले कि चोर वापस आ जाए आत्माराम सकाराम को लेके निकलो यहाँ से भाई यहाँ से चलते सकाराम ओहो हो वाह भाई वाह मास्टर की तुम तो बड़े पहुंचे हुए चोर निकले हाँ कहते क्या बकवास कर रहे हो चोर नहीं हूं मैं ये मेरा स्कूटर है अरे मुझसे काहे को शर्माता है मैं भी तेरी तरह एक चोर हूँ हाँ। अरे मैंने बोला ना भाई मैं चोर नहीं हूँ एक शिक्षक हूँ शिक्षक अच्छा देखकर लगता तो नहीं है ए बिड़ू बिड़ू नहीं भिड़े क्या काई नहीं देख भाई अपुन तेरे को एक बात बताता है इसका गाड़ी का नंबर देखा तुमने 420 नंबर देकर तेरे को लगता नहीं कि किसकी गाड़ी होगी ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो तेरा और मेरा बाप होगा उससे पंगा कौन लेगा यही सोचकर अपन ने तो हाथ खड़े कर लिए और तू चाबी लगाकर बंटू हो रहा है भाई साहब कितनी बार बोलूं मैं आपको मैं चोर नहीं हूँ ये स्कूटर मेरा है मैं एक शिक्षक हूँ शिक्षक जो पढ़ाते है ओ बाप रे बाप मेरे को अच्छी पट्टी पढ़ा रहा है देख इसको बेच के अपन आधा आधा बांट लेते हैं तुम ऐसे नहीं मानोगे अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं पुलिस रुकना भाई रुकना पुलिस में काय को फोन करता है लगता है इसकी पुलिस में भी सेटिंग है क्या 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 बोला जाता है ना जाता है देखा देखा सकाराम कैसे कैसे लोग होते हैं माधवी को फोन लगाता हूँ कहीं वो तो नहीं लेके आए स्कूटर माधवी का फोन लग क्यों नहीं रहा है आज मैं तो चलता हूँ यहाँ से चला पड़ा भगवान डर गई मैं बाप रे तो मस्ती कर रहे हैं आज आज इन्होंने लाइसेंस को लेके भी मजाक किया था अच्छा हाँ
गॉश, हम लोग कितना डर गए थे। बहन, आपका स्कूटर मैंने बहुत अच्छी तरह से लॉक करके रखा है, तो चिंता मत करना। दया भाभी मस्ती कम करो, साड़ियाँ ज्यादा खरीदो, हमें जल्दी घर पहुँचना है। भाई ये चाहिए, पकड़ लियो। गलत नहीं है, सोसाइटी में से दिन दहाड़े स्कूटर कैसे चोरी हो सकता है? तो सोसाइटी जाकर ही पता करना पड़ेगा कि मामला क्या है। सखाराम, अरे अब्दू, बोलो अब्दू भी दुकान पे नहीं है आज। साले अब्दुल, अब्दुल रुक रुक रुक, अचानक भीड़ को क्या हुआ? आइए देखते। अरे भाई तेरा ध्यान कहाँ है भाई तेरा? अरे क्या बात है बड़े मास्टर, इतने गुस्से में क्यों हो भाई? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ हाथी भाई, सुबह दिन दहाड़े कंपाउंड में से मेरा स्कूटर चोरी हो गया। क्या मजाक कर रहे हो बड़े भाई, ये स्कूटर किसका है? ये स्कूटर मेरा ही है अब्दुल, वो तो नसीब अच्छा था कि वापस मिल गया। मतलब ये पोपटलाल कि मैं अपना काम निपटा के रास्ते से आ रहा था, तो उसी रास्ते पर मैंने स्कूटर को पार्क किया हुआ देखा। एक मिनट भिड़े मास्टर, अरे भाई तुम्हें गलत विचार ही क्यों आ रहे हैं? हो सकता है माधवी भाभी स्कूटर लेके गई हो। नहीं नहीं हाथी भाई, माधवी भाभी जाते समय मुझसे मिली थी, मैंने पूछा स्कूटर लेके जाओ, मना कर दिया। अरे भाई भिड़े, हो सकता है माधवी भाभी ने स्कूटर की चाबी किसी और को दी हो। अरे किसी और को चाबी क्यों देगी माधवी, और वही मुझे बिना पूछे। क्या पता है? अरे भाई बड़े मास्टर इतना परेशान मत हो, माधवी भाभी को फोन करके पूछ लो ना। आती भाई कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का। फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का, पता नहीं कौन से सेल में गए, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। समझ गया। क्या? यही कि फोन क्यों नहीं लग रहा है। क्यों? अरे भाई भिड़े, ये साड़ियों के सेल वाले बड़े शातिर होते हैं, अपनी दुकान में जैमर लगा देते हैं ताकि फोन के नेटवर्क जाम हो जाए और पति अपनी पत्नी को फोन करके ये ना कह सके कि भाई दो साड़ी कम लेना, और पत्नियां इत्मीनान से साड़ियों की शॉपिंग करती रहे और उनकी सेल बढ़ती रहे। भाई चलने का गलत नहीं है। अरे भिड़े मास्टर इतना टेंशन मत लो भाई, उनकी शॉपिंग हो गई होगी, अब वो लोग आने की तैयारी में होंगे। सेल में साड़ी खरीदने का मजा ही अलग होता है। क्या इस दया भाभी आप बिना सेल के भी इतनी साड़ियाँ खरीदती है? होता है। चलो 5:30 बज गए, कंपाउंड में स्कूटर नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे ये। कमाल है, अभी भी फोन नहीं लग रहा है माधवी का। अब्दुल, तुम पूरा टाइम दुकान में ही थे ना? हाँ। तो जरा भाई ध्यान रखने का ना सोसाइटी में, कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है, और जब भी तुम सोसाइटी में काम से अंदर आते हो तो गेट बंद करके आने का। भाई एक गलत नहीं है, अगर तुम पूरे टाइम दुकान में थे तो तुम्हारे सामने से सखाराम को कौन लेके जा सकता है? बड़े भाई मैं थोड़ी देर के लिए टेरिस में गया था पानी की टंकी का वॉल बंद करने के लिए। तो बस उसी वक्त भिड़े को स्कूटर लेके निकल गया होगा। हाँ हो सकता है, थोड़ा टाइम तो लग गया था, वो क्या वाल थोड़ा जाम था ना इसके लिए। हाँ इसका मतलब चोर ने मौका देखकर प्लानिंग करके मेरे सखाराम को चुराया था। बोलो। सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी का स्कूटर सोसाइटी कंपाउंड में से चोरी हो जाता है तो बाकी मेंबर्स की सेफ्टी का क्या? सही बात है। अरे पोपट भाई मैं भी तो दुकान खोली छोड़ के गया था, मेरी दुकान से कुछ भी नहीं चोरी हुआ। भिड़े एक बात बताओ, जहाँ से तुम्हें अपना स्कूटर मिला वहाँ आस पास तुम्हें कोई और दिखा जिस पर तुम्हें शक हो? नहीं वहाँ पे आस पास में एक टपोरी मिला था वहाँ पे, जो अपने आपको चोर बोल रहा था, और उसने तो मुझे भी चोर समझ लिया था, उसे लगा कि मैं स्कूटर चोरी कर रहा हूँ। वो मुझे बोला कि ए, स्कूटर को हाथ मत लगा, देख देख स्कूटर का नंबर क्या है, 420। 420 नंबर देखकर तेरे को लगता नहीं कि किसकी गाड़ी होगी? ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो तेरा और मेरा बाप होगा, इससे पन्ना कौन लेगा? यही सोचकर अपन ने तो हाथ खड़े कर लिए और तू चाबी लगाकर बंटू हो रहा। अच्छा देखा बड़े मास्टर, तुम्हें 420 नंबर पसंद नहीं था, आज इसी नंबर की वजह से तुम्हारा स्कूटर चोरी नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा सखाराम बच गया। सही बात है। खरा खरा आती भाई, बिल्कुल खरा है, और मैं मेरे सखा से इतना प्यार करता हूँ कि ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। गणपति बाप्पा तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मेरा सखाराम चोरी होते होते बच गया। अरे मुझे थैंक यू बोलो, वो थैंक यू बोलना चाहिए।
खराब, हमारा स्कूटर कहाँ गया? अरे स्कूटर तो यही रखा था मैंने। हाँ माधवी पापा, ये टेंशन मत लो, मिल जाएगा। अरे पर हम लोग आसपास के दुकान वालों को भी पूछ लेते ना एक बार। हाँ पूछ लेते, पूछ लेते। चलो अरे पार्क भाई साहब, जरा बताएंगे आपने पीले रंग का स्कूटर देखी है? हमने वहाँ सामने ही रखी थी। पीले रंग का तो बहुत स्कूटर आते जाते थे। पापा ये तीन पहिए वाले स्कूटर थी, वो बाजू में बैठ सकते ना, वैसे स्कूटर देखी? नहीं मैडम, ऐसा तो कोई स्कूटर नहीं देखा। भाई साहब इधर हमारा एक स्कूटर खड़ा था, आपने देखा? येलो कलर का था। नहीं देखा था। नहीं उसमें एक साइड कार भी लगी हुई थी। नहीं बहन जी, मैंने नहीं देखा। आपने यहाँ पे एक स्कूटर देखा साइड कार के साथ, एकदम नया स्कूटर पड़ा था, येलो येलो कलर, येलो कलर का, यहीं पे पार्क किया था हमने। अच्छा 420 नंबर था। पीले रंग का स्कूटर वहाँ सामने ही रखा था, आपने देखा? स्कूटर तो नहीं देखा बहन जी। अरे भाई साहब सुनिए ना, हमने वहाँ पे स्कूटर पार्क किया था, एकदम नया स्कूटर था साइड कार के साथ, टो वाला उठा के तो नहीं लेके गया ना? अरे मैडम वहाँ पार्किंग अलाउड है, अगर आरटीओ बाइक ले जाता तो चौक का निशान दिखाई देता। ओह माय गॉड, वहाँ पे हमने सबको पूछा, किसी को नहीं पता है। अरे आप लोग को पता नहीं है ये एरिया से स्कूटर कितनी बार चोरी हो चुके हैं? मतलब हमारा भी स्कूटर चोरी हो गया है? कल्याण मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट? मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कूटर पर बहुत सारे लोगों की नजर है, तो ये भी हो सकता है कि हमारी सोसाइटी के आसपास स्कूटर चोरों की गैंग घूम रही हो, तो पुलिस को ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा नया स्कूटर चोरी हुआ था और तुम्हें फिर मिल गया। करे करे फिर खड़े क्या भाई, चलो पुलिस कंप्लेन करने। हाँ चलो चलो। अरे रुको रुको भाई, बड़े मास्टर क्या कंप्लेन करोगे, स्कूटर किसने चोरी किया, कब चुराया है वो तो पता भी नहीं है, और अब तो स्कूटर भी तुम्हें मिल गया है, तो क्या कंप्लेन करोगे? तुम एक काम करो, माधवी भाभी को फिर से फोन करो, उनसे बात करो। ट्राई करता हूँ, अभी कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, कितनी बार तो ट्राई कर चुका हूँ। लग गया लग गया। सकाराम सकाराम सकाराम, मुझे छोड़ के चले गए तुम सकाराम। हमारा साथ कुछ ही दिलों का था सकाराम, सिर्फ कुछ ही दिलों का था। माधवी तुम्हारी वजह से सकाराम मेरी जिंदगी में आया, और तुम्हारी वजह से वो चला गया। आओ सॉरी, प्लीज आप रोइए मत ना प्लीज। अरे रोने तो और क्या करूं, क्या करूं बोलो। सकाराम से स्कूटर नहीं था, मेरा साथी था, मेरा हमसफर था, मैं मेरे सखा के बिना अधूरा हूं माधवी, अधूरा हूं। माधवी कोई उसे छूता भी था ना तो मेरा दिल दहल जाता था, और तुमने तुमने उसे पूरा का पूरा घुमा दिया। मैंने बोला था ना मैंने कि सेल में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। हो गई ना गड़बड़, लेकिन मेरी सुनता कौन है, हमेशा हमारे जमाने का मजाक उड़ाया। सॉरी सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई प्लीज। नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता माधवी, तुमने मेरे सखा को मुझसे दूर किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। माधवी भाभी कहाँ खो गई, देखिए किसका फोन है। इनका फोन है। तो अब क्या बताओ इनको, अब ये फोन ही नहीं उठा रही है। भीड़ भीड़, आप फोन मत उठाना। लेकिन वापस आ गए तो वापस फोन मत उठाना। फिर से पूरी रिंग बजी, पहले फोन लग नहीं रहा था, अब ये फोन उठा नहीं रही है। चालने का कर दस नहीं, सारी लेडी साथ में गई है। तो हाथी भाई आप जरा कुमल भाभी को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ कर दो। हंस का है? कुमल भाभी फोन मत उठाना, भिंगे भाई ने फोन करवाया होगा। हाँ कुमल भाभी फोन मत उठाइए प्लीज। फोन नहीं उठा रही हूँ मैं, फोन कट कर। अरे नहीं फोन कट भी मत करो, ऐसे बजने दो, फोन बजने दो। हाँ बजने दो बजने दो। बड़े मास्टर कोमल भी फोन नहीं उठा रही। एक बार माधवी से बात हो जाए तो पता चले कि माजरा क्या है। अरे बड़े मास्टर टेंशन मत लो, हमारा मिस कॉल देख के वो हमें फोन करेंगी। और बड़े मास्टर तुम खामा का अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो भाई, स्कूटर तो मिल गया है ना। हर बार नया कोई संकट, ये स्कूटर का आईडिया दिया ही क्यों मैंने, रिक्शे से आते थे ना हम लोग। अम्मा स्कूटर तो मैं ही चला के लाई थी, जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब।
दया, तुझे भिड़े का स्कूटर चलाने की क्या जरूरत थी? वो हमें रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने स्कूटर चलाया। तो कल को तुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी तो ट्रेन चलाने लगेगी, प्लेन की टिकट नहीं मिलेगी तो प्लेन उड़ाने लगेगी। कैसी बात करते हैं, मैं ट्रेन या प्लेन कैसे चला सकती हूँ? मुझे वो चलाना थोड़ी आता है। चुप रह, एक तो 1.25 लाख का नुकसान कर दिया, ऊपर से होशियारी कर रही है। 1.25 लाख का नुकसान? और नहीं तो क्या, अभी भिड़े को 1.25 लाख का नया स्कूटर हमें ही खरीद के देना पड़ेगा ना। क्यों क्यों हमें क्यों? ओ भोली बच्ची, स्कूटर तू चला के लेके गई, अभी स्कूटर चोरी हो गया है तो नुकसान भरपाई हमें ही करना पड़ेगा ना। क्या हुआ था भाभी? पापा को पता चलेगा कि स्कूटर की चोरी हो गई है तो वो मुझे ही डांटेंगे। क्यों गुस्सा करेंगे मुझ पर? क्योंकि स्कूटर तो मैं ही चला के लाई ना। अरे सगला गोंधळ रे देवा, क्या करेंगे हम लोग अभी? माधवी भाभी शांत हो जाइए प्लीज। देखिए अभी घर चलते और शांति से सोचते कि आगे क्या करना है। नहीं नहीं, मैं स्कूटर के बिना घर नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, स्कूटर ढूंढेंगे कहाँ पे? हाँ। आप लोग एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए ना। अरे पाटिल, ओ पाटिल जी। सर आज कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जो सुबह का अखबार शाम को पढ़ रहे हो? अब क्या करे सर, उसकी रिमांड भी हो गई, उसने कबूली भी दे दी और दूसरा कुछ काम भी नहीं है, इसलिए पेपर पढ़ रहा हूँ। वैसे भी कहाँ फुर्सत रहती है हमें। पढ़ो। अरे कमाल हो गया पाटिल, आज के दिन ना एक चोरी की कंप्लेंट है ना सीना चोरी की। लगता है हमारे रहते हुए पूरा इलाका ही सुधर गया है। अगर यही हाल रहा ना पाटिल तो हमें इस पुलिस स्टेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। मुबारक हो सर, कंप्लेंट आ गई। अरे बासुंदी का फोन है। हाँ बासुंदी, हाँ बासुंदी जानता हूँ, तुम्हारे बाबूजी श्रीमान हलवालाल हलवाई राम जी आ रहे हैं, मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे समय पर उनके साथ डिनर करना है और वो समय पर खाते हैं, सब पता है मुझे। बासुंदी एक बात बता दूं, आज तो एक कंप्लेंट भी नहीं है तो मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा, लेकिन हाँ आज खाना समय पर बना होना चाहिए, ठीक है? ओके बासुंदी जी, ओके ओके, हैव ए गुड डे। पाटिल जरा यहां ना, क्विक। मेरे पर्सनल लाइफ पर पर्सनल बैंड बजने पर तुम्हें बहुत हंसी आती है ना। बात कहूं पाटिल, अगर पुलिस का दर्द नहीं समझोगे ना तो जनता का दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। सॉरी सर। इट्स ओके। हम तो बोल देंगे सब ठीक हो जाएगा। आज रीति रिवाज में बदलाव, गोकुल धाम के पुरुष मंडल के बदले महिला मंडल पुलिस स्टेशन में। पांडे साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ। क्या किया जेठालाल ने? टप्पू के पापा। ये कौन है? जेठा भाई। ओह, हर वक्त प्रॉब्लम जेठालाल के साथ होती है या जेठालाल की वजह से होती है? हाँ हाँ बराबर, टप्पू के पापा हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते ही है। पांडे साहब थैंक यू, आपको टप्पू के पापा के लिए इतनी हमदर्दी है। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। जी जी, हम लोग कंप्लेंट लिखाने आए हैं। सर मुबारक हो सर। क्यों? कंप्लेंट आ गई। मुबारक हो। मैंने आज का दिन ऐसे ही बीता था पाटिल। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। प्लीज। तो बताइए क्या, मेरा हर वक्त परफेक्ट ही होता है, आज थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोलिए क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या कंप्लेंट सबकी है? नहीं नहीं नहीं, माधवी भाभी की है। हाँ हाँ, तो आप बोलिए माधवी जी। वो हम लोग सेल में गए थे। माधवी भाभी प्लीज, आप प्लीज मत रोइए ना। पांडे जी माधवी भाभी नहीं बता पाएगी। एक्चुअली बात ये है कि माधवी भाभी का नया स्कूटर चोरी हो गया।
पंडित साहब प्लीज स्कूटर ढूंढ दीजिए प्लीज। एक मिनट आप पहले इनको चुप कराइए। मैं औरतों को रोते हुए नहीं देख सकता। आप लोगों को पता है मेरी पत्नी हमेशा मेरी इसी मजबूरी को हथियार बनाकर रो रो कर अपनी हर बात मनवाती है। पता है एक बार मेरी पत्नी का क्या हुआ? पंडित जी प्लीज इनका स्कूटर खो गया है। सॉरी मैं थोड़ा पर्सनल हो गया था। हाँ तो बताइए आपका स्कूटर कैसे चोरी हुआ था? मेरा सकराम, कहाँ है तू सकराम? एक मिनट, क्या स्कूटर के साथ सखाराम ही खो गया? नहीं, वो सखाराम इनके स्कूटर का नाम है। हे राम, स्कूटर का नाम सखाराम। गोकुल धाम वाले कुछ भी कर सकते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते, आ गए आप इलाहाबाद से? तो कैसा रहा स्कूटर का सफर? नहीं, कैसा रहा ट्रेन का सफर? हाँ अब आप थक गए होंगे, एकदम फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आता हूँ, फिर मिलकर खाएंगे जम के, ठीक है? नमस्ते नमस्ते। हाँ खाने में क्या बना है? कहाँ खाना बनाया, अभी घर पर जाकर बनाएंगे। पता नहीं घर पर कब पहुँचेंगे, कब खाना बनाएंगे, कौन सी सब्जी बनानी है वो अभी नक्की नहीं किया। अभी दया भाभी विषय का है, तुम्हें बोलता है क्या? सॉरी वो सॉरी। पांडे साहब वो स्कूटर चोरी हुआ है। हाँ और आप इस वक्त खाने के मेन्यू की बात कर रहे हैं पांडे जी? सॉरी क्या है, ससुर जी इलाहाबाद से आ गए, उनकी खुशी में खाना बन रहा था और यहाँ आपका स्कूटर, तो ये दोनों आगे पीछे हो गए। तो खैर हम कहाँ थे, आपका स्कूटर कहाँ कब कैसे चोरी हुआ था? अब ये बताइए आपके स्कूटर का नंबर क्या था, स्कूटर किसके नाम था, और वेरी इंपॉर्टेंट स्कूटर का कलर क्या था? आप लोग मुझे डिटेल्स देंगे तो हम आपको स्कूटर देंगे, मतलब आपका चोरी किया हुआ स्कूटर आपको मिल जाएगा। मैं बताती हूँ पांडे साहब। देखिए हुआ यूं कि हम सब लेडीज गोकुल धाम में सुनीता के पास से सब्जी ले रहे थे, तभी भीड़े भाई ने कहा कि खोखा मार्केट में साड़ियों का महासेल लगा है। ये सुनकर हम सब लोगों ने जाने का नक्की कर लिया, पर कोमल भाभी और अंजलि भाभी को ब्यूटी पार्लर जाना था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आप लोग सीधा हमें खोखा मार्केट मिलो और मैं भीड़े बहन और बबीता जी रिक्शा से खोखा मार्केट पहुंचेंगे। लेकिन रिक्शा हमें मिली नहीं रही थी, तो भीड़े बहन ने कहा मेरा स्कूटर ले लेते हैं। फिर भीड़े बहन का स्कूटर लेकर हम तीनों खोखा मार्केट के लिए निकले। हम लोग तो आए ने मजाक मस्ती करते हुए खोखा मार्केट पहुंचे और स्कूटर हमने सही जगह रख भी दिया। फिर हम लोग सेल की दुकान में गया, साड़ियाँ खरीदी और जब वापस आए तो स्कूटर चोरी हो गया था। रिलैक्स, समझ गया, आपका स्कूटर चोरी नहीं हुआ है, हमारे ब्रदर डिपार्टमेंट ने उसे उठा लिया है। ब्रदर डिपार्टमेंट? ब्रदर डिपार्टमेंट मतलब? अरे आरटीओ, ओ ऑटो वाले। आपने नो पार्किंग में स्कूटर पार्क किया होगा, डेफिनेटली आरटीओ वाले नो पार्किंग वाले स्कूटर को उठा ही लेंगे। नहीं नहीं पांडे जी, हमने स्कूटर नो पार्किंग जोन में पार्क नहीं किया था, हमने बराबर देख के पार्किंग जोन में ही किया था। इनफैक्ट अगर टो हुआ होता तो वहाँ पे एक चौक का निशान भी होता ना, वैसा कोई निशान वहाँ पे था ही नहीं। हाँ और पांडे जी हमने आसपास हर जगह पूछा और हमें पक्का यकीन है कि हमारा स्कूटर चोरी ही हुआ है। अरे आप इनको चुप कराइए, अगर ऐसे ही रोते रहेंगी तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी। हमारे नसीब में है साहब, किसी भी तरह स्कूटर वापस ला दीजिए प्लीज। प्लीज पांडे जी, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। अभी हमारे पतियों को भी पता नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। एक तो इनको बिना बताए स्कूटर लेके गए, ऊपर से स्कूटर चोरी हो गया, अब ये बात उनको पता चली तो। सखाराम सॉरी दोस्त, लेकिन तुझे ऐसे मुझे चेन से बांध के रखना पड़ेगा रोज, तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे। चोरी करने वाले तो बैंक की तिजोरी भी तोड़ डालते। चेन बहुत तगड़ी है, आपका स्कूटर बहुत सेफ रहेगा, सखाराम बहुत सेफ रहेगा। 7:30 बज गए, गोकुलधाम की महिलाओं का कोई पता ही नहीं अभी तक, 6 बजे का बोल के गए थे आने का। माधवी भाभी को फिर से फोन ट्राई करो ना। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। मेरा भी फोन आ गया बासुंदी का। हाँ बासुंदी, इनका फोन है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी इससे बात करने की।
माधवी फोन क्यों उठा रही है आज? हाँ तो फोन मत उठाओ, फिर से फोन करेंगे तो मैं ऑफ कर देती हूँ फोन, ऑफ कर देती हूँ। अभी स्विच ऑफ आ रहा है, उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी। कमाल है, हाथी भाई से पूछ सकते, उनकी शायद कोमल भाभी से बात हुई होगी। देखिए आप अगर डिटेल में बताएंगे तो हमें स्कूटर ढूंढने में आसानी होगी। ये बताइए स्कूटर किसके नाम पर है? आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, शिक्षक और एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। स्कूटर का कलर? येलो, येलो कलर था। हाँ, और उसमें एक साइड कार भी है। अच्छा पांडे जी, स्कूटर का नंबर है MH02AB420। एक शिक्षक के स्कूटर का नंबर 420। पांडे जी, हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, प्लीज हमारा स्कूटर ढूंढ के दीजिए ना प्लीज। देखिए आप रोइए मत, आप रोइए मत, मुंबई पुलिस आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप ना उम्मीद मत होइए, हम आपका स्कूटर ढूंढ कर ही निकालेंगे। पटेल सर, इनके स्कूटर चोरी का FIR लिखो और सारे पायलट पर मैसेज भेज दो कि एक शिक्षक का स्कूटर चोरी हो गया है। शिंदे रिपोर्टिंग। हेलो, गोरेगांव बीट पेट्रोलिंग, खोखा मार्केट से येलो कलर का साइड कार वाला स्कूटर चोरी हुआ है। स्कूटर नंबर है MH02AB420। ओवर। ओवर। स्कूटर चोर को पकड़ना है, जल्दी चलो। जी साहब। क्या स्कूटर चोर मिल गया? नहीं सर, मैं तो ये कहना आया था कि स्कूटर चोर को पकड़ने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है। गुड, वेरी गुड। पांडे जी, अगर आपने हमारा स्कूटर ढूंढ लिया ना तो मैं आपके उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और अगले 6 महीने तक मेरी तरफ से अचार पापड़ आपको एकदम फ्री। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि यहाँ हर कंप्लेंट करने वाले नागरिक को न्याय मिले। अगर रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ यहाँ से जाए, यही हमारे लिए बख्शीश है। मेरी साइकिल चोरी हो गई। आप लोग? आपके साइकिल का नाम तुकाराम है? ओह माय गॉड, हंस के खाने का टाइम हो गया है। कोमल भाभी, मेरा भी खाना बनाने का समय हो गया है। अभी थोड़ी देर में बापूजी, फिर टप्पू के पापा भी आ जाएंगे। और अब तक हम गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं पहुंचे हैं, ये बात तो उनको पता चल जाएगा ना, तो वो लोग बहुत चिंता करेंगे। क्या हुआ भिंडी मास्टर, इतने टेंशन में क्यों? भिड़े भाई का स्कूटर चोरी हो गया है। तो ये स्कूटर किसका है? बाद में मिल भी गया है। तो अभी टेंशन क्या है? चाचा जी, बात दरअसल ये है कि गोकुलधाम की सारी महिलाएं किसी सेल में साड़ी की शॉपिंग करने के लिए गई है। 6 बजे तक आने वाली थी लेकिन अभी 7:30 बज गए, कोई नहीं आया। और मैं फोन करूं तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे भिड़े, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े? वो लोग अब तक नहीं आए। और माधवी भाभी, कोमल भाभी का किसी का अब तक कॉन्टेक्ट नहीं हुआ? नहीं ना, ऐसा तो भाई पहली बार हुआ है। गोकुलधाम महिला मंडली कहीं भी बाहर जाए और अगर उन्हें आने में 10-15 मिनट भी लेट हो तो वो फोन करके हमें इन्फॉर्म कर देती हैं। और इतना ही नहीं, हमेशा समय से पहले आ जाती है। सही बात है। ओहो, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है, ना कोई फोन है ना कोई खबर है, कहाँ रह गई मेरी गोकुलधाम की बहने। आप लोग इस तरह स्कूटर लेकर बैठे रहेंगे तो टेंशन कैसे मिलेगा? वो नहीं, देखो आप लोग इस तरह टेंशन लेकर बैठी रहेंगी तो स्कूटर कैसे मिलेगा? तो स्कूटर मिले उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप लोग घर जाइए, जो करना है हम करेंगे। तो घर जाने से स्कूटर मिल जाएगा? स्कूटर मिलने का घर जाने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए रात हो गई है, अब देर भी हो गई है, अब आप लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, जब तक स्कूटर नहीं मिलता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको पता नहीं है, इनको पता चलेगा ना तो ये बहुत डांटेंगे मुझे, मुझे बहुत डांट मिलेगी। मैं घर नहीं जा सकती हूँ, सॉरी, मैं घर नहीं जाऊंगी। दया बहन, जरा इनको समझाइए। बराबर है पांडे साहब, भीड़े बहन बराबर कह रहे हैं, बिना स्कूटर घर पर जाऊंगी तो टप्पू के पापा भी मुझे डांटेंगे, कहेंगे क्या जरूरत थी हरक पतोड़ी बनकर स्कूटर चलाने की, उनकी डांट खाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर ही रहूं। आप लोगों को ये डर लग रहा है कि आपके पतियों को पता चलेगा कि स्कूटर चोरी हो गई तो वो डांटेंगे। ठीक है, मैं उनको फोन करके बता देता हूँ कि उनको आप ना डांटे। ठीक है।
मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू। प्लीज मत बताइए। हाँ नहीं बताऊंगा। बहुत डांटे थे हमें और हम लोग स्कूटर लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। प्लीज सॉरी। अच्छा आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स। बोलिए आप लोग क्या लेंगे? स्कूटर। मेरे कहने का मतलब है चाय या कॉफी? नो नो थैंक्स, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ कुछ नहीं। जल्दी घर पर आ जाओ, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। बासुंदी देखिए माधु जी, यहाँ बैठने से तो स्कूटर मिलेगा नहीं, आप घर जाइए और हमें भी घर जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ मेरे घर पर गेस्ट आए हैं और वहाँ बासुंदी भी मेरा इंतजार कर रही है। अरे पांडे साहब, आप बासुंदी कल भी खा सकते हैं। देखिए अगर स्कूटर मिल गया ना तो मैं आपको इतना बड़ा पतीला भरकर बासुंदी दूंगी। दया बहन, बासुंदी मेरी पत्नी का नाम है, भूल गई आप? सॉरी सॉरी, वो आप खाने की बात कर रहे थे ना, तो मैं वो बासुंदी समझी। मुझे पता है भाभी जी का नाम बासुंदी भाभी है। आपकी गलती नहीं है, मेरा ससुराल पूरा मिठाई की दुकान की तरह है। मेरे ससुर का नाम है हलवा राम, सास का नाम है रबड़ी, दो सालियां हैं, एक बर्फी और एक जलेबी और साला लड्डू। वो क्या है कि ससुर जी इलाहाबाद से घर पहुंच गए, उनके साथ डिनर का प्रोग्राम था और मैं यहाँ। पांडे जी हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, आप घर जाइए। हाँ, हाँ, पांडे साहब आप जाइए। देखिए पांडे जी, आप हमारी टेंशन मत लीजिए, जब तक स्कूटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कैसा धर्म संकट है, एक तरफ बासुंदी और ससुर जी डिनर पर इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ भोली मासूम चिंतित महिलाएं स्कूटर का इंतजार कर रही हैं। क्या करूं? सारी बासुंदी। पाटिल, वायरलेस पर मैसेज भेज दो, पेट्रोलिंग तेज कर दो, हमें वो स्कूटर किसी भी तरह मिलना चाहिए। स्कूटर चोर को पकड़ने पेट्रोलिंग बढ़ा दो। ओवर। ओवर। ए राजा इधर आ। थम्स अप। गोका मार्केट के पास से येलो कलर का साइड कार वाला स्कूटर चोरी हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हो? अब स्कूटर चोरी तो बढ़िया ही कर सकता है, लेकिन वो तो जेल में है साहब, लगता है कोई नई गैंग आई है साहब। ये नया स्कूटर चोर एक बार हाथ में लग गया ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ होगा स्कूटर? अरे मेहता साहब, अरे मेहता साहब। हाँ आइए एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। क्या हो गया भाई? आप जरा प्लीज अंजलि भाई को फोन लगाए ना। अंजलि को फोन क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ यूं के अच्छा मैंने भी बबीता को फोन लगाया तो बबीता ने फोन उठाया नहीं, मेरे को लगा फोन चार्जिंग पे होगा और बबीता बिजी होगा। अरे लोग एक साथ फोन नहीं उठा रहे, इज इट अ कोइंसिडेंस? यस। एक मिनट मैं अंजलि को फोन लगाता हूँ, अभी पता चल जाएगा। लगता है तारक घर पहुंच गए। हे भगवान अब क्या करूं? अंजलि भाभी फोन मत उठाइए, ये पक्का मेहता जी के साथ होंगे, प्लीज आप फोन मत उठाइए ना प्लीज। हाँ सॉरी तारक। अंजलि भी फोन नहीं उठा रही है, आप कह रहे बबीता जी भी फोन नहीं उठा रही है, और भिड़े तुम कह रहे हो कोई लेडी सोसाइटी में फोन नहीं उठा रही है, तो आखिर माजरा क्या है? इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस भिड़े, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। भाई मैं क्या कहता हूँ, आप सब फिर एक बार फोन ट्राई कीजिए, शायद इस बार उठा ले। हाँ, मैं बबीता को फिर से फोन लगाता हूँ। हाँ, प्लीज। हाँ? अय्यर का फोन है, बजने दीजिए रिंग, बजने दीजिए। आहंस का फोन, मैं रिंग बजने दूंगी। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। अभी तो अभी भी फोन नहीं उठा रही है। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है, तुम्हारा स्कूटर चोरी हो गया था, फिर वो मिल भी गया, सारी लेडीज सेल के लिए गई है, 6 बजे आ जाने वाली थी, 7:30 बजे तक नहीं आई, और अब इनमें से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। नो बेटे, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। यस यस मेहता साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। अरे सब लेडीज एक साथ फोन नहीं उठा रही है, जरूर कुछ टेंशन का मामला है। आत्माराम
How can it be a coincidence? अरे मैंने कब बोला ये coincidence है? तो मेरे कौन बोला? मेहता साहब बोल रहे हैं। Sorry मेहता साहब, it is not a coincidence. तो मैं कब कह रहा हूँ कि it is a coincidence? मैं तो इतनी देर से यही कह रहा हूँ ना कि भाई it is not a coincidence. It cannot be. अरे बंद करो भाई तुम्हारा ये coincidence. बिल्ली मास्टर, तू एक काम कर, जीटीए को फोन कर और उसे बोल कि जल्दी से यहाँ आ जाए। सेठ जी बधाई हो, गुड न्यूज। क्या हुआ? इस महीने हमने 49 एसी बेचे। क्या बात कर रहे हो नट्टू काका, मुबारक हो, मुबारक। क्या हुआ भाई, तो क्यों निराश खड़ा है, तुझे खुशी नहीं हो रही है? क्यों? सेठ जी, हमारा टारगेट इस महीने 50 एसी बेचने का था, सिर्फ एक एसी की वजह से हाफ सेंचुरी मिस हो गई ना। तो एक एसी तो खरीद ले। सेठ जी, ये तो सब आंकड़ों का खेल है, मैं इसमें नहीं मानता। और 49 का आंकड़ा तो बहुत लकी होता है, 4 और 9 13। 49 एसीबी के नट्टू काका मगन। आपका उंधाई का पानी बहुत होशियार है, है? एसी खरीदने को बोला तो बह गया। नहीं नहीं सेठ जी, वो क्या है कि हमारे भादर नगर में एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आप भी होशियार है, आप भी तो उंधाई गांव के ही है। बोलो, अभी अभी आपने खुशखबरी सुनाई, अभी अटेंशन का फोन आ गया। कौन है? भीड़ है, कुछ ना कुछ फरियाद के लिए फोन किया होगा। टप्पू ने ये किया, टप्पू ने वो किया। तो मत उठाइए। अरे उठाना तो पड़ेगा। बोल भीड़। हाँ जेठालाल, यहाँ पे बहुत बड़ी टेंशन हो गई भाई। पता है मुझे। पता है? अरे भाई, तू जब भी मुझे फोन करता है कुछ ना कुछ टेंशन वाली बात ही होती है। बोल अभी इस बार क्या हुआ? अरे क्या हुआ, वो शॉपिंग में जाने वाली थी, उसके पहले उसका फोन आया था कि मैं शॉपिंग में जाने वाली हूँ, लेकिन बाद में फिर कोई बात नहीं हुई मेरी। मैं काम करता हूँ, मैं दया को फोन करके फिर तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? फोन आया। मोमबत्ती जी, टप्पू के पापा को फोन है। दया भाभी, फोन मत उठाइए प्लीज। 100% भिड़े भाई उनके साथ होंगे और उन्होंने उनको फोन करने के लिए कहा होगा। हाँ दया भाभी प्लीज, जेठा भाई को पता चला ना तो जेठा भाई इनको बताएंगे, और इनको पता चला ना तो आपको पता है। प्लीज दया भाभी, फोन मत। आप रोइए मत, मैं नहीं उठाऊंगी फोन। सॉरी टप्पू के पापा, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी। अरे ये दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर्स में है और उसे रिंग नहीं सुनाई दे रही, इसलिए नहीं उठा रही है क्या? जानबूझ के फोन नहीं उठा रही है? बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं हम लोग। भीड़े बहन संकट में नहीं फंसे हैं, संकट से भी आगे धर्म संकट में फंस गए हैं। दया भाभी, धर्म संकट में तो फंस गए हैं, पर इस धर्म संकट से बाहर निकलने का मार्ग कहाँ मिल रहा है? अब सोसाइटी में हमारे हस्बैंड भी कितने परेशान होंगे, और यहाँ हम परेशान हैं। हाँ जेठालाल, दया भाभी से बात हुई? अरे दया भी फोन नहीं उठा रही है। भीड़े का दया भाभी जेठालाल का भी फोन नहीं उठा रही है। काश मेरी शादी हो गई होती। अरे मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी होती तो एक और ऑप्शन होता ना फोन करने के लिए। भाई भिड़े, तू जेठा को बोल के जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। हाँ जेठालाल। हाँ मैंने सुना। बापूजी कपाल, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है? पांडे साहब है। पांडे साहब, चलिए कुछ पता चला? हाँ। देखिए माधवी बहन और महिला मंडल, पुलिस आपके स्कूटर और स्कूटर चूर को ढूंढ लेगी। आप लोग घर जाइए और मुझे भी घर जाने दीजिए। मेरे ससुर इलाहाबाद से मेरे घर आए हैं, वहाँ खाना तैयार है, अगर मैं लेट पहुँचा तो मेरी बासुंदी मुझे। देखिए पांडे जी, स्कूटर मिले बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। हमारा नया स्कूटर चोरी हुआ है, आप एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए, अगर आपका नया स्कूटर चोरी हो गया तो क्या आप अपने पति से नजरें मिला पाएंगे? एक मिनट, मैं आपकी जगह आकर सोचना चाहता हूं। मैं अपने पति से नजर नहीं मिला पाती। You're right. ये आप क्या क्या सोचने पर मजबूर करते हैं पुलिस वाले को। पांडे साहब, अब भीड़े बहन की मनोव्यथा समझिए।
देखिए पांडे जी, हम समझ सकते हैं कि आपके ससुर आपके घर पे आए हैं और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर जाइए। हाँ सच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे लिए मेरे ससुर के रिश्ते से बड़ा रिश्ता फर्ज का है। मेरे पुलिस स्टेशन में औरतें दुखी हो और मैं घर जाके पकवान खाऊं, ये मेरे जमीर को कतई गवारा नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों की तकलीफ को समझ सकता हूँ। मैं पुलिस वाला भी हूँ और बासुंदी का पति भी हूँ। एक पति होने के नाते मैं इस वक्त आपके पतियों के दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ। आप घर नहीं पहुंची, उनका फोन नहीं उठा रही हैं। इस वक्त आपके पतियों को कितनी चिंता हो रही होगी, सोचा आप लोगों ने? आप लोग गोकुल धाम जाइए और बेहिचक सच बता दीजिए कि आपका स्कूटर चोरी हो गया है। अरे स्कूटर तो किसी से भी चोरी हो सकता है ना, अगर आपकी जगह आपके पतियों ने उस जगह स्कूटर पार्क किया होता तो क्या चोर चोरी नहीं करता? करता ना। विराज आप लोग घर जाइए और सच बोल दीजिए। लेकिन चोरी तो हमारी वजह से हुई है ना, हम स्कूटर मिले वाला घर नहीं जाएंगे। हम स्कूटर मिले वाला घर नहीं जाएंगे। देखिए आप लोग घर जाइए, आपके स्कूटर चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आपकी टेंशन मेरी टेंशन और मेरी टेंशन तो मेरी ही है। देखिए अब इस चालू पांडे का एक ही मिशन है, भिड़े का पीला स्कूटर नंबर 420 को ढूंढना। देखिए अगर मैं आपका स्कूटर नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं वचन देता हूं मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। नहीं पांडे सर, क्या हो गया सर? हमारा क्या होगा सर? पांडे जी ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ देखिए एक बार इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कमिटमेंट कर दी कर दी। भगवान देखिए अब तो आप लोग अपने घर जाइए, अब तो मैंने कमिटमेंट भी कर दी। हाँ हाँ दया भाभी माधवी भाभी, अब तो पांडे जी ने कमिटमेंट कर दी, वो हमारा स्कूटर ढूंढ के ही रहेंगे। चलिए प्लीज। जी माधवी भाभी देखो उन्होंने भी प्रॉमिस भी कर दिया। हाँ तो अभी हम लोग चले यहाँ से। हाँ हमें घर जाना चाहिए। चलो थैंक यू सर। थैंक यू। स्कूटर ढूंढना प्लीज। और वो स्कूटर चोर मिले ना तो तेरे दोन खाना तो उसको अच्छे से पाट पड़ाना। ये भी कोई बोलने की बात है माधवी बहन, उसको तुम हमेशा आप निश्चिंत होकर जाइए ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू ठीक है, इनका ख्याल रखना जरा। धन्यवाद ठीक है। ढूंढना सगर आप नाम है उसका। हाँ पीला स्कूटर सब या सब याद है 420 नंबर ठीक है। प्यार करते हैं ना स्कूटर से। छोड़ो 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 इसमें को भी ऐसे दुख ना दे। कुछ फालतू बात नहीं, स्कूटर ढूंढो। गो कम ऑन मूव 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 मूव। स्कूटर नंबर 420। नहीं नहीं इसलिए तो फोन किया था आपको, लेकिन आप बोल रहे कि आपकी माधवी से दो दिन से बात ही नहीं हुई, फिर आपको मालूम ही नहीं होगा ना माधवी कहाँ है। Anyway, thank you, Monisha ji. Thank you very much. Malti, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। नहीं नहीं वो क्या असल में अंजलि फोन नहीं उठा रही थी तो मुझे लगा तुम्हारी तो बात होती रहती है, शायद तुमसे बात हुई हो। नहीं हुई? अच्छा अच्छा नो प्रॉब्लम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ हाँ नेहा जी, हाँ मैं बोलूंगा कोमल को, उसने आपको क्यों नहीं बताया असल के बारे में। हाँ ठीक है बाद में बात करता हूँ। हाँ दिव्यांगा, बबीता का फोन आया था? नहीं है? नहीं टेंशन वाला कुछ बात नहीं है। ओके मैं बाद में फोन करता है। ओके ओके। अरे ऐसे ही फोन पकड़ के क्या खड़ा है, किसी को फोन तो लगा? मेरा फोन लगेगा नहीं। क्यों?
पैलेस नहीं है। अरे नहीं भाई, ये सब लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो फिर डबल डबल हो जाएगा, मेरा नहीं लगेगा फोन। मैंने बबीता की सभी फ्रेंड्स को फोन किया, लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। अरे मैंने भी अंजलि की सारी फ्रेंड्स से बात कर ली, उन्हें भी पता नहीं है कि कहाँ है अंजलि, किसी से बात भी नहीं हुई है। कुछ पता चला? नहीं ना जेठालाल, कोई फोन भी नहीं उठा रहा। और उनका भी कोई फोन नहीं आया? नहीं ना, अजीब टेंशन हो गया है। ओहो हो, यहाँ खड़े खड़े ओ करने से वो लोग जल्दी नहीं आ जाएगी। अरे चलो बाहर जाके उन्हें ढूंढते हैं। अरे आसपास के इलाके में जाकर पता लगाते हैं कि सेल कहाँ कहाँ लगा है, वहाँ जाकर पूछते हैं। सही बात है। हाँ बाबूजी बराबर बोल रहे हैं, चलो चल के ढूंढते हैं उनका। चल, 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 भाई मुझे लगता है कि हमें पहले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। पोपटलाल, इतनी जल्दी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग अपने स्तर पे ढूंढ लेते हैं, और अगर नहीं मिले खुदा न खास्ता तो फिर पुलिस के पास जाएंगे। ओके, और सेल कहाँ लगी है किसी को पता है? आये भिड़े को पता होगा ना। चेचे मना ने मैं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि भव्य साड़ियों की सेल लगी है। भिड़े, भव्य साड़ियों की सेल लगी है नहीं, साड़ियों की भव्य सेल लगी है। हाँ हाँ हाँ, तेज। अरे अभी थोड़ी देर पहले ये ओ हो कर रहा था, अभी तुम दोनों यहाँ भव्य भव्य खेल रहे हो। अरे एक बार बोला ना, बाहर जाके पता करते हैं। चलो अभी चलो। सॉरी सॉरी सॉरी, जीप बंद मत करना। चलो चलो जीप में बैठ जाओ। चलो क्यों हो गया चाचा जी, कितने जाना है? अरे भाई तुझे रास्ते में बताएंगे। चलो चलो आ जाओ। चलो चलो अरे हाथी पे रह गए। एक काम करते हैं, पहले हाथी पे आप बैठ जाइए। कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश। अरे क्या एक बार और करते हैं। आती ना, तू आगे आ जा, मैं पीछे आ जाता हूँ। अरे पर चाचा जी, अरे ले ले, मैं देखो मैं आ जाऊँ। अरे पर कैसे तू आ जा। अरे चाचा जी, आप कर चाचा जी। चलो बापू जी, आप आगे बैठिए ना आराम से, हाथी पा इधर बैठ जाएंगे पीछे। अरे मैं यहाँ बैठ गया हूँ ना, वापिस वहाँ मुझे कहाँ भेज रहे। अरे आती ना, तू आगे बैठ जाता। भाई मुझे क्या लगता है कि हम सारे एक जीप में नहीं आ पाएंगे। भिड़े तुम अपना स्कूटर निकालो ना। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं और भिड़े भिड़े के स्कूटर में आते हैं, बाकी सब लोग जीप में आ जाओ। चलो कुछ तो पता नहीं, कुछ तो क्या टेंशन। चल चल। अरे अरे तू कहाँ बैठ गया इधर, तू जाने जीप में जाने भाई। उधर जगह नहीं है भाई। अरे आप लोग लेट करो भाई, चलो चलो जल्दी चलो। एक मिनट, ये तो मेरा पुराना वाला हेलमेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो यही पड़ा था साइड कार में। अरे वो सब छोड़ो भाई, भिड़े तुम अपना हेलमेट पहन लो। हाँ पहन लेता हूँ। आपका है कभी रखा, समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। एक मिनट, भिड़े हम लोग एक ही साइड में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम लोग एमजी रोड की साइड जाओ, हम लोग जीएम रोड की साइड जाते हैं। okay. तुम लोगों को कुछ पता चले तो हमको फोन करो, हमें पता चलता है हम तुमको फोन करते हैं। ओके चलो। गाड़ी रोक, तो वहां कुछ नजर आ रहा है। रुक रुक रुक, मैं देख के आता हूं। रुक 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 रुक, मैं भी आता हूं। जा तू, जा तू भी जा। चल चल आराम से, आराम से। हां हां हां, चल आइए। अरे आ जाओ, किया कुछ नहीं? नहीं नहीं, वहां कुछ नहीं। अरे यार कितन वहाँ कोई साड़ियों की सेल नहीं है, वैसे ही भीड़ लगी हुई थी, मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई सेल है। नहीं नहीं, चलो भाई आगे आगे चल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है घर जाने से। बराबर है, परिस्थिति ऐसी है, पर घर तो जाना ही पड़ेगा। माधवी भाभी, दया भाभी सही कह रही है, अभी आप कुछ मत सोचिए,
भिड़े भाई और हमारे पतियों को जो भी कहना होगा, डांटना होगा, हम सुन लेंगे। कब तक सच छुपाएंगे हम लोग? हाँ, बराबर। हम सब लोग सोसाइटी में जाएंगे तो सच में ही रहेंगे। हाँ। तो क्या है, हिम्मत बनी रहेगी। दया भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा हम सब मिलकर सामना करेंगे उस चीज का। यस, चलिए। रक्षा करना। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। पाउडर के लिए गोरे का वेस्ट। बबीता जी, आप माधवी भाभी और दया भाभी को लेके जाइए, हम सब पीछे आते हैं। शांति से हम पीछे ही है। रिक्शा, रिक्शा, जाइए जाइए। पाउडर गली। पोपटलाल, अरे भाई ये कौन सा तरीका है ब्रेक मारने का? अभी मैं उछल के बाहर गिर जाता। अरे भाई थोड़ा संभाल के ब्रेक मारो। ब्रेक ऐसे ही लगेगी भाई। ऐसे ही कैसे लगेगी? अगर तुमको नहीं जम रहा है तो जाओ भाई, जिप में जाकर बैठो। वैसे भी वहाँ एक आदमी की जगह खाली है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही बैठूंगा। तो ब्रेक ऐसे ही लगेगी। अरे तुम लोग झगड़ा बंद करो। जेठा, ये बोलो कि ब्रेक क्यों मारने को बोला? अरे वो देख भाई, साड़ियों का सेल, वहाँ जाके पूछते है ना। हाँ हाँ, मैं पार्क करता हूँ। ऐसे ऐसे आने दे। चलो 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 भाई चलो। अरे ओ भाई, क्या चलो चलो। अरे भाई, सबको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं और भिड़े जाके पूछ के आते हैं। बैठो इधर ही। चलो चलो, ये पकड़ो। अरे चलो। अरे अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई लेडीज आई थी साड़ी की शॉपिंग करने के लिए। साड़ियों की सेल में साड़ी लेडीज लेने ही आएगी ना साहब? नहीं, मतलब वो लेडीज गोकुल धाम से आई थी। साहब मैं नाइट ड्यूटी में हूँ, मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अंदर सेट से पूछ लीजिए ना साहब। अरे रुको रुको रुको, क्या वो कुछ पता चला? अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमको बोला ना मैं स्कूटर में बैठने के लिए। अरे वहाँ अकेले बैठे बैठे कंटाल आ रहा था, तो मैंने सोचा दो से भले तीन। एक से भले दो होता है, दो से भले तीन नहीं होता है। तीन तिकड़ा काम बिगड़ा होता है। जेठला भी आया तो रहने दो। चलो 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 भाई चलो। बबीता जी, चोर स्कूटर यहाँ लेकर नहीं आया होगा। स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, इसलिए स्कूटर छोड़कर भाग गया होगा। अरे अंजलि भाभी, वो जो भी हो, अच्छा हुआ चोर यहाँ स्कूटर छोड़कर चला गया और हमें मिल गया। यस, एक्चुअली कुठे गेला कुठे पण तो चोर। माधवी भाभी, हमें स्कूटर मिल गया है ना, मेरे ख्याल से अब हमें गोकुलधाम सोसाइटी फटाफट पहुँच जाना चाहिए। नहीं नहीं, उस स्कूटर चोर को छोड़ूंगी नहीं मैं। दून चोर काना खाली वाजवणार जे मी कुठे गेलो तू? बराबर है, बराबर है। सबक तो सीखना ही पड़ेगा। हां, एक मिनट दया भाभी, माधवी भाभी शांत हो जाइए। क्या सबक सिखाना होगा? चोर यहाँ वापस आएगा कि नहीं हमें क्या पता, और वैसे भी चोर एक है कि पूरा गैंग है हमें क्या पता। समझदारी इसी में है कि स्कूटर लेके निकल जाना चाहिए। हां देखो, रात बहुत हो गई है और हम सब अकेले हैं, कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो। राइट बेन, बबीता जी बराबर कह रहे हैं, अगली बार देख लेंगे। दया भाभी चलिए चलिए चलिए, मैं रिक्शा का भाड़ा देके आती हूँ। ओके चलो चलो, निकल रहे हैं। माधवी भाभी बैठ जाइए, संभल कर आना। गिरी जी भैया, आपका भाड़ा। बबीता जी, दया भाभी का संभल कर जाना, हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके चलो। ओहो, अरे इसमें तो पेट्रोल छलो छल है। क्या बात है, बहुत सारा पेट्रोल है। चलो बस बबीता जी। पता नहीं कहाँ चले गए, इस वाले सेल में भी नहीं आए थे वो। कम वाले, मेरा स्कूटर कहाँ गया? अरे कुटे गया सकराम? अरे इधर ही तो पार्क किया था मैंने। अरे कहाँ गया स्कूटर बबनलाल?
अरे मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही तो पीछे आया। अरे देवा, कहीं मेरा सखराम फिर से चोरी तो नहीं हो गया? अरे जेला रे गेला, बाजे सक्का गेला रे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुझे बोला था ना भाई, तू स्कूटर में ही बैठ, हमारे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अगर तू स्कूटर में बैठा होता तो स्कूटर चोरी नहीं होता ना। अच्छा हुआ मैं स्कूटर में नहीं बैठा, वरना स्कूटर के साथ मैं भी चोरी हो गया होता। गब्बस गब्बस, काय बोलते सु पोपटलाल, काय बोलता है? तुम्हें कोई चोरी क्यों करेगा? तो? क्यों नहीं करेगा भाई, मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का सम्माननीय वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, नेशनल ट्रेजर हूँ मैं। गब्बस गब्बस, शांत 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 हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे कैसे शांत रहूं जेठालाल, कैसे शांत रहूं? मेरा सखराब दोबारा चोरी हो गया, कैसे शांत रहूं मैं? तेरी कहीं किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? जेठालाल, एक शिक्षक की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं वही क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्कूटर चोर का बेटा तेरे यहाँ ट्यूशन पे आता हो और तू ठहरा कड़क शिक्षक, तो उसने वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं की होगी तो तूने उसे डांट दिया हो और उसी का बदला वो इस तरह ले रहा हो? जेठालाल, मेरे यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनमें से किसी का भी पिता स्कूटर चोर नहीं है। तू इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकता है? अरे भाई, ऐसा धंधा करने वाले अपने धंधे का ऐसे जहर में ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं, वो तो चुपचाप सुमड़ी में अपना काम करके निकल जाते हैं। भिड़े, जेठालाल की बात में दम है। तुम तो बीच में बोलना ही मत पोपटलाल, नेशनल ट्रेजर मणि। तुम नेशनल ट्रेजर नहीं हो, नेशनल डिजास्टर हो, डिजास्टर। केला बजा सकरम केला, सखा केला बजा। अरे कुटे शोधू सखा तुला भी। एक काम करते हैं, वो वॉचमैन को जाके पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। वॉचमैन का है? इसका मतलब वॉचमैन स्कूटर चोरी करके चला गया? नहीं नहीं यार, भाई साहब, मैंने यहाँ पे मेरा येलो स्कूटर पार्क किया था जिसको साइड कार थी, आपने उसे किसी को ले जाते हुए देखा? नहीं साहब, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना डब्बा धोने गया था। अरे देवा, गेला गेला सखराब गेला, तो काय करूं, क्या करूं जेठालाल? अब एक ही काम हो सकता है, पुलिस कंप्लेन। हाँ भिड़े, अभी मुझे लगता है वही करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, मैं बापू जी और मेहता सबको ये बोल देता हूँ कि अभी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही आए, और कोई रास्ता नहीं है भाई। सॉरी, एक मिनट, गाड़ी रोक, एक मिनट, गाड़ी रोक, मैं गाड़ी रोकता हूँ। जेठालाल का फोन है, लगता है उसे पता चल गया कि सब लेडीज का है। अरे सॉरी, खुशियां मनाने के पहले मुझे बात तो कर लेने दो, पता तो कर लेने दो कि हुआ क्या है। बात करो जी, जल्दी करो। हाँ जेठालाल, सब लेडीज का पता चल गया, सब कहा है? अरे नहीं नहीं, खबर नहीं मिली मेहता साहब, उल्टा भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया। क्या, भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया? हाँ, पर कैसे हो सकता है जेठालाल, भिड़े का स्कूटर चोरी? तुम तीनों लोग तो स्कूटर पे थे, तुम भिड़े, पोपटलाल और भिड़े स्कूटर चला रहा था, चलते हुए स्कूटर को कोई कैसे चोरी कर सकता है? अरे नहीं, क्या हुआ, एक जगह हमने साड़ी का सेल देखा तो हम लोग अंदर पूछने गए। अच्छा, तो बाहर आके देखा तो स्कूटर गायब, तो अभी हम लोग दिन रोज से पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी उधर ही आ जाओ। हाँ, हम भी पहुंचते हैं। और जेठालाल, मुझे लगता है कि अब जो लेडीज भी नहीं मिल रही, उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तुम लोग पहुंचो डिंडोशी पुलिस स्टेशन, हम भी आ रहे हैं। हाँ ओके, चलो आ रहे, वो लोग पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। चलो चलो डिंडोशी पुलिस स्टेशन, चलो डिंडोशी पुलिस स्टेशन। हाँ चलो 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 भाई। क्या हुआ, मैं रास्ते में सब बताता हूँ। भाई जस्ट कई साड़ियों का सेल लगा था, उन्होंने हम तीनों उतरे। चोराला ना मी कधी माफ करणार नाही। माधवी भाभी, अभी आप रिलैक्स हो जाएगी ना, हमें स्कूटर मिल चुका है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भूलिए बहन, अरे बासुंदी, मैं आने ही वाला था कि तभी एक स्कूटर चोरी का गोकुलधाम का केस आ गया। अब वो सॉल्व ही कर रहा था कि ऊपर से कमिश्नर साहब का फोन आ गया। अब इतना टेंशन रहता है बासुंदी कि क्या कहूँ आपको। अरे सुनो तो सही, सुनो, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना फर्ज बड़े अच्छी तरह से निभाता हूँ। नहीं नहीं, मैं पति का भी फर्ज निभाता हूँ बासुंदी। मैं जानता हूँ बासुंदी, तुम्हारे बाबूजी आए हैं इलाहाबाद से और उनके साथ आज रात को बैठकर खाना खाना है, हमें अच्छी तरह याद है हमें। सुनो, अगर मैं आधे घंटे में नहीं पहुंचा घर तो तुम खाना खा के मैके चली जाना। अरे हेलो बासुंदी, सॉरी, कैसे मिलेगा, कैसे पहुंच गए पुलिस स्टेशन, पहुंच गए चालू जी, पांडा जी, सब। आओ आओ जेठालाल, मैं कब से सोचूं, मैं इतना परेशान हूं, वो भी जेठालाल के दर्शन के बिना। ये बात हजम नहीं हो रही थी, अब तुम्हारे दर्शन हो गए
अब बात हजम हो गई है, बोलिए। ये आप क्या कर रहे हैं चालू जी, पांडे जी? पांडे जी, आपकी ड्यूटी है जनता की सेवा करना, ताने कसना नहीं। आप बिना वजह जेठालाल को ताने क्यों कस रहे? सॉरी। आपको पता है बाहर क्या क्या अपराध हो रहे? हाँ पता है, तभी तो सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट बनाया है। तो कर क्या रहा है वो डिपार्टमेंट, इसका स्कूटर चोरी हो गया। ओ, मतलब गोकुल धाम की महिलाओं ने अपने पतियों को बता दिया है कि स्कूटर चोरी हो गया है। पांडे साहब, पांडे साहब, पोपटलाल ने अभी अभी ये कहा कि भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया। हम चोरी की बात कर रहे हैं और आप है कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे सर। क्या रिएक्ट करूं, क्या रिएक्ट करूं? हाँ ये लूट गया, हाँ ये बर्बाद हो गया, हाँ ये कहीं का नहीं रहा, ये रिएक्ट करूं मैं इसके साथ? आप फिर ताने कस रहे हैं। सॉरी। आप सॉरी सॉरी बोलना छोड़िए और स्कूटर चोर को ढूंढने के लिए कुछ कीजिए, वरना आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ, पत्रकार हूँ, पत्रकार, दिल्ली तक जाऊंगा। अरे भाई इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, यहीं कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। शांति रखो, घर नहीं पहुंचे इनको दिल्ली जाना है। अच्छा अब आप मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सब जानता हूँ स्कूटर के बारे में। स्कूटर का नंबर है AB 420, स्कूटर का रंग है पीला और साइड कार भी तो है स्कूटर में। स्कूटर का नाम है सखाराम और उम्र है 1 महीना। सब जानता हूँ स्कूटर के बारे में। स्कूटर का नंबर है AB 420, स्कूटर का रंग है पीला और साइड कार भी तो है स्कूटर में। स्कूटर का नाम है सखाराम और उम्र है 1 महीना। तूने स्कूटर की कंप्लेंट इनको मैसेज कर दी थी क्या? नहीं तो? तो इनको ये सब कैसे पता? अरे क्या कैसे पता, हमको सब पता है। हमारी पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से इसका स्कूटर ढूंढ रही है। 7 बजे से? 7 बजे से आपकी पेट्रोलिंग टीम स्कूटर ढूंढ रही है, मतलब आप लोगों को पहले से पता था कि स्कूटर चोरी होने वाला है? ये आप लोगों के साथ है क्या? मतलब सर क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, स्कूटर चोरी हुआ इसका हमको पहले से पता है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर अभी भी आपने ये कहा कि आपकी पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से स्कूटर ढूंढ रही है और हम लोगों के हिसाब से स्कूटर अभी अभी चोरी हुआ है। तो जब स्कूटर चोरी ही अभी हुआ है, हमने आपको बताया ही अभी है, तो पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से स्कूटर ढूंढ कैसे सकती है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पुलिस को पहले से पता है स्कूटर चोरी होने वाला था, इसलिए एडवांस में चल रहा है सब कुछ। आपका स्कूटर चोरी हुआ है? नहीं, स्कूटर इनका चोरी हुआ है। तो फिर क्यों दुनिया के झंझट में पड़ने का, जाओ ना अपना काम करो। आपका क्या है? जी मेरे क्लिनिक है। अरे आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं इनके साथ आया हूँ। आप? मैं भी इनके साथ में आया हूँ। मैं भी इनके साथ में आया हूँ। मैं भी इनके साथ। आप यहाँ आते ही रहते हैं, आपका तो स्कूटर ही चोरी हुआ है। आप? मैं भी इनके साथ आया हूँ। आप भी इनके साथ ही आए होंगे? वो सच के इंस्पेक्टर साहब। आपसे तो शुरुआत ही हुई, जाने दो ना। चाचा जी, आप चाचा जी हैं? नहीं। तो फिर इनके साथ क्यों? चलो पीछे, चलो पीछे। अब चाचा जी बताइए इस देश का क्या होगा? क्यों? क्या हुआ बेटा? यात्रा एक आदमी करता है, उसको छोड़ने के लिए 12 लोग आ जाते हैं। वैसे ही स्कूटर एक का चोरी हुआ है और कंप्लेंट लिखाने के लिए 8 लोग आ गए। इंस्पेक्टर साहब तो 9 लोग हैं। मुझे भी गिन रहा है क्या? नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम 9 लोग बोल रहा हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तुम्हारा तो स्कूटर चोरी हुआ है ना, जो तुम 8 लोगों को लेकर आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे शिक्षक होकर ऐसा करते हो? क्या किया मैंने? 8 लोगों को काम धंधा छुड़वा कर एक स्कूटर की कंप्लेंट लिखवाने लाते हो? क्या सोचकर 8 लोगों को लेकर आए थे कि पुलिस खुश होगी, शाबाशी देगी, 8 स्कूटर दे देगी? एक ही स्कूटर मिलेगा, 7 स्कूटर क्या पुलिस अपने जेब से देगी? इंस्पेक्टर साहब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे 8 स्कूटर नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्कूटर सखाराम वापस चाहिए, जो आज एक ही दिन में 2-2 बार चोरी हो गया। एक ही दिन में एक ही मालिक का एक ही स्कूटर 2 बार चोरी हुआ, ऐसा तो पुलिस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पांडे सर, चले सर, येलो कलर का स्कूटर चोरी हुआ था ना, उसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। मैं भी तेरी तरह एक चोर हूं। तू? तू? क्या बे सियाणे चोर, पकड़ा गया ना? अपुन ने तेरे को पहले ही मना किया था कि स्कूटर चुराने का नहीं, पर तू माना नहीं। साहब वो येलो वाला जो स्कूटर था ना, वो इसी चोर ने चुराया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। खुद का स्कूटर चुराता है और खुद ही कंप्लेंट लिखवाता है,
अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना स्कूटर क्यों चुराऊंगा? फर्जी इंश्योरेंस क्लेम के लिए। एक शिक्षक को ऐसा शोभा देता है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले गोकुलधाम सोसाइटी से मेरा स्कूटर चोरी हुआ, जो मुझे एक खोखा मार्केट के पास मिला नसीब से। वो स्कूटर लेके दोबारा सोसाइटी में आया। इसके बीच क्या हुआ कि हम सबकी बीवियां जो है, मतलब गोकुलधाम की महिला है, वो किसी साड़ी के शॉप में सेल लगी हुई थी, वहां पे शॉपिंग करने के लिए गई है। तो शाम तक वो आने वाली थी, जो अभी तक वापस नहीं आई। तो उनको ढूंढने के लिए हम लोग स्कूटर लेके दोबारा निकले, और इसी सिलसिले में मैंने स्कूटर सरदार रोड पे पार्क किया था, और स्कूटर दोबारा वहां से चोरी हो गया। आधी स्टोरी तो समझ में आ गई, लेकिन ये स्कूटर फिर से किसने चोरी किया? पुलिस स्टेशन में मोबाइल फोन साइलेंट पे रखना चाहिए। चालू जी, पांडे जी, आपका ही फोन बज रहा है। अरे हेलो। हाँ हेलो पांडे सर, मैं दया बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ हाँ कहिए कहिए। साहब, अब आपको स्कूटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? साहब, स्कूटर हमें सरदार रोड पर से मिल गया, तो हम उसे लेकर यहाँ हमारी सोसाइटी में आए हैं, और जैसे यहाँ पहुँचे पहले आपको फोन किया कि स्कूटर मिल गया है। ओह, अब पूरी स्टोरी समझ में आ गई। थैंक यू। और कोई टेंशन? टेंशन तो साहब अभी खत्म नहीं हुआ। हम सबके पतिदेव यहाँ सोसाइटी में नहीं है, शायद वो हम लोगों को ढूंढने के लिए गए हैं। जब हमें मिलेंगे तब होगी टेंशन। अरे टेंशन मत लीजिए, वो टेंशन भी मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके थैंक यू। क्या क्या कहा? कहा कि टेंशन सुलझा देंगे, पता नहीं। हाँ? आपका स्कूटर मिल गया। कहाँ मिला कहाँ मिला? कौन है वो चोर? उसके कान के नीचे। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा भाई, स्कूटर मिल गया ना। पांडे बेटा, आप स्कूटर तो मिल गया, लेकिन अभी सबसे पहले गोकुलधाम की महिलाओं को ढूंढना है। वो सब दोपहर से साड़ी के सेल में गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी है, और हम सब लोग उसे फोन कर रहे हैं तो वो फोन भी नहीं उठा रही। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी गुत्थी सुलझा दूंगा, आप लोग चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब जाना कहते हैं। फॉलो माय जीप। ओके तो गोकुलधाम की तरफ जाता है। आ, आ। तो क्या पांडे साहब हमें गोकुलधाम लेके जा रहे हैं? हाँ बासुंदी पहुंच जाऊंगा बासुंदी। अरे सॉरी 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 बासुंदी। MH02AB420 पीला स्कूटर भी है, साइड कार भी है। यही है भाई, वही तो बोलू। कहा है ये पर? तुम वो तुम सब लोग कब आए? और पांडे बेटा, ये सब महिलाएं और ये स्कूटर यहाँ पर है, तुम्हें पता था? दरअसल दादाजी, तुम सब लोग कहाँ थे? बबीता, तुम हमारा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? कोमल, पता है कितनी टेंशन हो गई थी हम लोग को? हाँ जिली, कॉल तो करना चाहिए, और कॉल नहीं कर सकते तो कम से कम मैसेज तो करना चाहिए। पता है कितनी चिंता हो रही थी? आई तक यार काय गोंधल चल रहा है। माधवी, शॉपिंग से इतनी लेट क्यों आई? और मैं कितना फोन कर रहा था, फोन क्यों उठा रही थी तुम? जवाब तो जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दया, कोमल, बबीता, जिली सामने देखो, सामने देख के बात करो, क्या हुआ? अरे नजरें क्यों चुरा रही हो? अरे कोई कुछ तो बोलो दया। टप्पू के पापा, पहले तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए।
आप प्लीज आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। गुस्सा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए, अरे किस बात की माफी मांग रही हो, ऐसा क्या हुआ है? कोमल तुम लोग इतना टेंशन में क्यों? बबीता व्हाट हैपेंड? अंजलि सस्पेंस मत बढ़ाओ भाई, बताओ ना हुआ क्या है? अरे अरे मैं बताता हूँ, मैं कब से बोलना चाहता हूँ, आप लोग बोलने नहीं दे रहे। अब प्लीज कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं पूरी स्टोरी समझ गया। दरअसल खोखा मार्केट में साड़ियों की सेल लगी थी, तो ये गोकुल धाम की महिला है, ये सकाराम स्कूटर को वहां लेकर गई थी। माधवी स्कूटर तुम लेके गई थी? हाँ, बहुत देर तक हम लोगों को रिक्शा नहीं मिल रही थी ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि स्कूटर से जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए हम लोग स्कूटर लेकर गए, फिर अच्छे से वहां पार्क की और अंदर गए और शॉपिंग करके बाहर आए और देखा तो हमारा स्कूटर ही नहीं था वहाँ पे, हमारा स्कूटर चोरी हो गया था। अरे चोरी काहे का, वो स्कूटर वहाँ से मैं लेके आया था सोसाइटी में। स्कूटर चोरी करके आप लेकर आए थे? मतलब आप घर पर लेकर आए थे? माँ क्या? और हम लोगों को लग रहा था हमारा स्कूटर चोरी हो गया, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन गए कंप्लेन लिखवाने। पूरी स्टोरी मुझे मालूम है और ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो छोड़िए ना सर, आपको क्यों बोलने गए? और आप लोग स्कूटर की चोरी की बात सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे, ये सोचकर हम में से कोई भी आप लोगों के फाइल नहीं उठा रहे थे। लेकिन पांडे जी मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये सकरवा अपने आप गोकुल में वापस कैसे आया? मैं बताती हूँ, स्कूटर अपने आप यहाँ नहीं आया, मैं लेकर आई इसे। मतलब सरदार रोड से स्कूटर तुम लेकर आई? हाँ। क्यों? सरदार रोड पे आपने स्कूटर पार्क किया था? हो। अरे क्या हुआ, आप लोग बहुत देर हो गई वापस नहीं आए, इसलिए आपको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर निकले स्कूटर लेके, और सरदार रोड पे हमें एक साड़ियों के सेल का बोर्ड दिखा, तो स्कूटर वहीं पे पार्क करके हम लोग इंक्वायरी करने वहां पे गए, और वापस आकर देखता हूँ तो क्या स्कूटर का है अब? काय गो भाई, गोंधड़ गोंधड़ नुस्ता। समझ गए पांडे जी कि क्या कंफ्यूजन हुआ था? अच्छा तो ये सब हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं। सर आप कौन सी स्टोरी बोलने वाले थे? चल पीछे, चल पीछे। पांडे जी आपको कैसे पता चला कि गोकुलधाम की सारी बहनें और स्कूटर यहीं पे है? मैं बताती हूँ अब्दुल भाई, वो क्या है, मैंने पांडे साहब को फोन करके बताया कि हमें स्कूटर मिल गया है। जब वो लास्ट में हम लोग निकलने वाले थे तब वो फोन आया था, वो दया भाभी का फोन था। चलो भाई जो हुआ सो हुआ। हाँ लेकिन गजब हो गया बापूजी, ये तो उंदर बिल्ली का खेल हो गया, लेकिन अब तो सबको पता चल गया ना कि ये सब कैसे हुआ। हाँ बापूजी, लेकिन बहू ये सब कुछ होता ही नहीं अगर तुम सब लोग एक छोटी सी गलती ना करते। हाँ कौन सी बहू? गलती ये नहीं कि तुम सब लोग स्कूटर लेकर गए, गलती ये भी नहीं कि तुम लोगों ने स्कूटर पार्क किया और बाद में तुम लोगों को ऐसा लगा कि स्कूटर चोरी हो गया है, लेकिन गलती ये है कि तुम सब लोगों ने हालात का सामना नहीं किया। अरे भाई हालात से जितने दूर भागोगे उतनी ही मुसीबत बढ़ेगी। सही बात है, करेक्ट है। माधवी बेटा अगर तुमने पहले ही भिंडी मास्टर को फोन करके बता दिया होता कि भाई स्कूटर चोरी हो गया है तो ये सब कुछ होता ही नहीं। सॉरी। अगदी बरोबर है चाचा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आहो सॉरी, कंफ्यूजन हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी, वेरी सॉरी। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी, पलायन करने से कभी समस्याएं सुलझती नहीं है बल्कि और उलझ जाती है। पर जो भी हो मेहता साहब, एज ऑलवेज हैप्पी एंडिंग हो गई जी। पांडे जी नहीं, हैप्पी एंडिंग आप लोगों की हुई है, मेरी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। की गल कर रहे हो पांडे जी, एवे किवे? अरे आज मेरे ससुर जी इलाहाबाद से मेरे घर आए, बासुंदी ने ससुर जी के साथ मिलकर खाने का प्रोग्राम बनाया था, मुझे जल्दी जाना था लेकिन ये स्कूटर चोरी का केस आ गया और मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा, सब लोग मेरा वहाँ इंतजार कर रहे हैं और मैं ड्यूटी का दीवाना, मैंने ठान ली जब तक मैं स्कूटर का केस सॉल्व नहीं करूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। और फिर मैं स्कूटर चोरी के केस को सॉल्व करने में लग गया जो असल में चोरी हुआ ही नहीं है। पत्नी स्कूटर लेकर जाती है तो पति उसे वापस लेकर आ जाता है, और जब पति स्कूटर लेकर जाता है तो पत्नी उसे वापस लेकर आ जाती है, और फिर दोनों आकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं,
आप लोग आपस में स्कूटर चोर खेल रहे हैं और पुलिस को परेशान कर रहे हैं। सॉरी पांडे जी, मैं भी पुलिस स्टेशन में थोड़ा भावुक हो गया था, थोड़ा ज्यादा बोल गया। सॉरी पांडे जी, अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो तो हम सब आपसे माफी मांगते हैं। अगर अगर क्या होता है, तकलीफ हुई है और कितनी बार आप लोग सॉरी बोलोगे? हर बार कंप्लेंट लिखाते हो और मैं सीरियसली ड्यूटी निभाने में लग जाता हूँ और केस सॉल्व भी कर देता हूँ। आप लोगों को अंदाजा भी है आप लोगों की कंप्लेंट लिखने के लिए मैंने कितने सरकारी कागज वेस्ट किए, कितनी सारी इंक वेस्ट की है। आप लोगों को पता है आप लोगों का केस सॉल्व करने के लिए मैंने कितना सरकारी पेट्रोल जलाया है? मैं केस सॉल्व करता हूँ और आप लोग आपस में केस को डिसॉल्व कर लेते हो। लोकशाही का इतना फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। पन्ने बेटा माफ कर दो, सबको माफ कर दो, इन सब की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। अरे रे चाचा जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके जो ये बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं, इनको समझाइए कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे परेशान ना करें। वैसे भी आप लोगों को मेरी क्या जरूरत है, आप लोग इतने सक्षम है कि सारे केस तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अरे हाँ बासुंदी, हाँ अरे बस ना हो गया, मैं पहुंच गया हूँ, नाके पर हूँ। एक काम करो, तुम खाना परोसो, मैं बस पहुंचा ही। हाँ ठीक है, हाँ अचार रखना, ठीक है ठीक है, चलो। हाँ अरे सॉरी, चलो हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक है नाके पर असल में। हाँ ठीक है, चलो चलो। माता जी करे पांडे साहब समय पे घर पर पहुंच जाए और बासुंदी भाभी और ससुर जी के साथ मजे से खाना खाए। चल चल दया, अभी जबरदस्त भूख लगी है भाई। मैं क्या कहती हूँ, आप सब लोग हमारे घर पर खाने के लिए बता देना, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। अरे नहीं नहीं दया भाभी, हम सब अपने अपने घर पे खाना बना लेंगे, आप इतनी परेशान मत होइए प्लीज। चलो। अरे ये सब महिलाएं दोपहर से कितनी परेशान थी, अभी थक गई होगी, अभी कहाँ खाना बनाएगी। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हम सब जेंट्स लोग खाना बनाए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कहीं बाहर खाना खा लेते हैं। बापू जी हाँ, अरे वाह, अप्रतिम आइडिया। हाँ सही बात है, कहीं बाहर किसी होटल में चलते हैं। चलो चलो चलो। हाँ लेकिन कौन से होटल में जाएंगे? अरे है एक मस्त बढ़िया होटल है, क्लासिक कंफर्ट, हमारे कच्ची माड़ो की है, मजा आ जाएगा। चलो चलो हाँ चलो चलो। अरे सुनिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी एक खुशखबरी हमें बताना भूल गया, हमें अचार और पापड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, हाँ, दोस्तों आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी खुशी में आज का पूरा बिल पोपट लाल देगा। अरे अरे भाई मैं क्यों भाई? क्यों भिड़े को इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है मुझे खुशी, लेकिन मुझसे ज्यादा खुशी हाथी भाई को हो रही है। हाथी? अरे भाई पोपटलाल डरो मत, बैठ जाओ, बिल मैं दे दूंगा बस। मुझे लगता है आप और बबीता जी खाएंगे ना, तो इसको ऐसे रखो। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है डोसा। आपको नहीं खाना? नहीं, नहीं। तो डोसा तो मुझे भी नहीं खाता है, तू खाएगी तो इसको ऐसा रखो। मुझे नहीं खाना, मुझे ये आ गया है, मुझे नहीं खाना। तुझे खाना है ऐसा? हाँ। तो एक मिनट तो तू ले ले। अरे अरे ये ऑर्डर तो मैंने दिया ना जनरल। अरे पर तो इधर आप दोनों खाएंगे तो बीच में मैं क्या ऐसे बैठा रहूं भैया भाई? ए, मेरे मुझे नड़ेगा ना आपका डोसा बीच में। तो इधर आ जाओ तुम भैया। तो हाँ मैं उधर आ जाता हूँ। नहीं, नहीं नहीं मैं इधर ही ठीक है, इधर हूँ भाई। इतना बड़ा मंगाने का क्या जरूरत है यार भाई, दो छोटा छोटा मंगाते ना, ये अभी इधर जगह भी नहीं है।